Yes, we are live now. So very good morning to all. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Fatafat, Fatafat, sabhi log Jaldi Fatafat. So very good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to all. Good morning to all. Good morning to all. Fatafat, Jaldi Yes. Now, my dear friend. आज हम बात करने वाले हैं चेन एंड सबसे पहले और सबसे जरूरी बात है ग्रेसॉफ की गाइस ग्रेसॉफ ने क्या ऐसा किया बिल्कुल थ्योरी ऑफ मशीन में हम धीरे 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 अपने मुकाम को तो हासिल करते जा रहे हैं और हमें पता चलता जा रहा है कि ये मशीन क्या है मशीन को हमने कैसे जनरेट किया क्या क्या होता है क्या करें तो कायनामेटिक चेन क्या करें तो मैकेनिज्म क्या करें तो मशीन बनेगा तो ये सारी चीजों देख रहे हैं हम लोग यहाँ तो एक एक करके हमने पढ़ाओ आगे किया सबसे पहले हमने लिंक पढ़ा देन हमने पढ़ा पेयर पेयर के बाद हमने सारे पेयर के क्लासिफिकेशन देखे क्लासिफिकेशन देखने के बाद पेयर की हमने देखे ज्वाइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंप्लीट करते समय हमने एक चीज देखा कि ग्रबलर ग्रबलर किस तरीके से हमारे सिस्टम में आया ग्रबलर ने क्या किया कुछ ने कैसे जवाब दिया क्या क्या रिलेशन था सारा चीज देखा देन उसके बाद अब हम आ गए हैं अपने अगले पड़ाव काइनामेटिक चेन की तरफ यस नाउ माय डियर फ्रेंड चेन व्हाट अबाउट द चेन क्या होता है चेन देन को हम कैसे याद रखते हैं तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सो हेलो एवरीवन दिस इज आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अन अकेडमी गेट एम पर और गाइज अगर अपने बारे में बताना चाहूँ I'm four times get top ranker and and from IIT and nine year teaching experience. Subject taken by me is the the heart and soul of the mechanical engineering. Yes, design part पढ़ाता मैं आप सभी को जिसके अंदर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको theory of machine. Now आलोक लाइफ क्या है सर आलोक लाइव एक रेफरल कोड है जिससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलता है आलोक लाइव क्या है आलोक लाइफ से आपको बेटा आपका पासवर्ड है फ्री स्पेशल क्लास का अगर आप देखना चाहते हो लर्निंग ऐप फटाफट फटाफट जाकर डाउनलोड करोगे और देखोगे मेरे सारे फ्री लेक्चर्स एक्सेस कर पाओगे बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों सारे फ्री लेक्चर्स एक्सेस कर पाओगे आलोक लाइव कोड से ठीक ना नाउ मेरे भाइयों अभी टाइनी ऑरल डॉट कॉम स्लैस आलोक लाइव कोड पर मेरे सारे फ्री स्पेशल क्लासेस हैं ठीक है सो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा एक बार नाउ स्टार्ट करते अपने इस सेशन को गाइड बिल्कुल 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 रहा नहीं जा रहा सर जब से वो कहानी सुनी है ग्रबलर और कुर्जबैक की तो आज परेशान हूं ग्रेस ऑफ के लिए आज की क्लास में बच्चा लोग मैं आज की क्लास में आप सभी लोगों को एक लाइन कहना चाहूंगा कि आज की क्लास आपको फील हो जाएगी अंदर से फील होगी बिल्कुल मेरे भाई कि आपने आज कुछ नया सीखा है मैं ये गारंटी देता हूं आज की क्लास जो होने वाली है बता देता हूं ग्रेसॉप की बात करने वाले हैं चेन की बात करने वाले हैं उसके तीन रिलेशन की बात करने वाले हैं और ग्रेसॉप के उस चार्ट को याद कैसे करना है उस ट्रिक को देखने वाले हैं देन उसके साथ साथ हैंट इज द डबल क्रैंक मैकेनिज्म व्हाट इज द डबल रॉकर मैकेनिज्म व्हाट इज द क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म ये सारी चीजें विथ एनिमेशन हर एक चीज देखने वाले हैं मतलब आज की क्लास एनिमेटेड क्लास भी है मेरे बच्चों बहुत मजा आने वाला है सीरियसली सीरियसली बहुत मजा आने वाला है तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को मेरा जय हिंद है और स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं बिल्कुल तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज चेन सो वेरी 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 गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आप लोग वीडियो को शेयर कर दो और लाइक बटन जरूर दबा देना ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक चेन की बात करते हैं चेन क्या होता है देखो बहुत ही मतलब आसान भाषा में समझना क्या है ये देखिए व्हाट इज दिस सर दिस इज चेन चेन क्या होता है मैंने चिंटू से पूछा देखो हमने आपको काइनामेटिक लिंक पढ़ाया काइनेमैटिक पेयर पढ़ाया अब क्या है काइनामेटिक चेन काइनेमेटिक चेन की बारी है। अच्छा काइनेमेटिक चेन के बाद क्या पढ़ाऊंगा सर चेन के बाद अपन ने मैकेनिज्म बनाया था तभी तो मशीन बना था बिल्कुल सही बात तो चेन क्या होता है सर चेन अगर मैं बात करना चाहूं इफ द लास्ट लिंक इज द फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट डेफिनेट मोशन देन दिस इज नोन काइनेमेटिक चेन ये एक ऐसा डेफिनेशन है अरे अभी समझाता हूं देखो हमने क्या बोला था चार लिंक से मिलकर बनता है चेन चार लिंक से मिलकर बनता है चेन अगर आपसे कोई पूछे सुनिएगा ध्यान से वट इज द काइनामेटिक चेन तो आप कहिएगा इन काइनामेटिक चेन देर इज अ फोर लिंक्स आर कनेक्टेड फोर लिंक्स आर कनेक्टेड ठीक ना चार लिंक के आपस में कनेक्टेड हैं और चार लिंक से मिलकर बनता है बेटा चेन और उस चेन में अगर उस चेन में क्या हो वट इज द मीनिंग ऑफ काइनामेटिक्स सर काइनामेटिक्स ऑलवेज सेज रिलेटिव मोशन क्या बेटा रिलेटिव मोशन काइनामेटिक ऑलवेज शेज रिलेटिव मोशन चेन चार लिंक से मिलकर बनता है ना व्हाट अबाउट द कानामेटिक कानामेटिक मींस रिलेटिव मोशन इस चेन में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है अगर इस चेन में रिलेटिव मोशन ऐसे ही तो आया है ये लिंक ऐसे 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 है कि नहीं तो स्टार्टिंग यहां से है <coughs> और एंड लिंक का एंड कहां से है सर जी यहां है

चेन हमारी इच्छा का मोशन एक डायरेक्शन का मोशन है इसलिए लिखा है डेफिनेट मोशन डेफिनेट मोशन मींस हमारी इच्छा का मोशन डियर ध्यान रखिएगा इफ द लास्ट लिंक लिंक इज इज टू फर्स्ट एंड ट्रांसमिट मोशन देन दिस चेन यस और नो ना मेरा डेफिनेशन यह कहता है कि चार लिंक से मिलकर बनता है चेन और अगर इसके अंदर रिलेटिव मोशन होगा ठीक है ना और रिलेटिव मोशन होगा तो वो कायनमेटिक चेन कहलाएगा और ये रिलेटिव मोशन कैसा हो सर ये रिलेटिव मोशन हमारी इच्छा के अनुसार हो आवर डिजायर कंप्लीटली और सक्सेसफुली मोशन हो बोलो हाँ या ना सिंपल भाषा में समझ में आया कामेटिक चेन बिल्कुल सर बहुत ही कूल कुल है यार नाम से ही हम निकालते हैं डेफिनी सुनिएगा मेरी बात ध्यान से अब कह रहा है कि कुछ रिलेशन हम आपको बताने वाले हैं कुछ रिलेशन कुछ रिलेशन हम आपको बताने वाले हैं इन रिलेशन से क्या होने वाला है कैन टू डिटरमाइन द गिवन असेंबलेज ऑफ द लिंक फ्रॉम द कानामेटिक चेन और नॉट मतलब हम आपको कुछ ऐसे ऐसे इक्वेशन बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सिस्टम का चेन है कि नहीं है तो मेरे बच्चे डिफिनीशन अगर आपको समझ में आ गया अब हम चलते हैं इस पे दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर थ्योरी ऑफ मशीन ठीक है ना अभी मैं दिखाता हूं गेट 2012 में क्वेश्चन कैसे पूछा था चलिए चेन में कुछ तीन रिलेशन्स हैं पहले हम उन तीन रिलेशन को क्लियर करते हैं तीन रिलेशन्स हैं वो तीन हैं वो रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे सर देखो एल बराबर टू पी माइनस फोर एक रिलेशन तो हमारा ये है सर यहां क्या क्या है देखो मैं आपको लिख देता हूं दिस इज द नंबर ऑफ लिंक नंबर ऑफ लिंक एंड दिस इज द नंबर ऑफ पेयर नंबर ऑफ पेयर ना बच्चा लोग सुनते रहे ना तीनों रिलेशन सुनना जे इज इक्वल टू थ्री बाई टू एल माइनस टू है ना एक रिलेशन है जे प्लस एच बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू एल माइनस टू अब आप यही सोच रहे कि सर ये रिलेशन याद करने पड़ेंगे क्या ठीक है ना तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं आप आलोक लाइव की क्लास में हो और आलोक okay. लाइव की क्लास में सब पॉसिबल है याद करने की जरूरत नहीं है वट इज नंबर ऑफ ज्वाइंट या नंबर ऑफ लोअर पेयर जो पढ़ते हो वट इज एल नंबर ऑफ लिंक एंड आई थिंक एच अलग है इसमें हायर पेयर ठीक ना नंबर ऑफ फाइर पे ठीक है ना आई थिंक आपने ये तीन रिलेशन देख लिए ये तीन रिलेशन आपको ध्यान देना है ये तीन रिलेशन आपको बताएंगे मेरे बच्चों ध्यान सुनिएगा ठीक है ना ये तीन रिलेशन आपको बताएंगे मेरे बच्चों कि आपका कायनामेटिक चेन है कि नहीं है कायनामेटिक चेन और नॉट ठीक है ना ये है कि नहीं है ये तीन रिलेशन आपको बताएंगे चलिए तो हम इन तीन रिलेशन पे पहले लेकर चलते हैं सर क्या इसको रट्टा मारना पड़ेगा बिल्कुल नहीं रट्टा मारना है अभी मैं आपको सब सिखाता हूं पहले मैं आपको सिखाता हूं ये इक्वेशन याद कैसे करना है याद करना है ना बिल्कुल याद मत करना ठीक ना अच्छा ये बताओ ये तीन रिलेशन पूछे कैसे जाएंगे पहली बात तो पूछे कैसे जाएंगे सर इक्वेशन ही तो पूछा जाएगा जी सर अच्छा इक्वेशन का यूज भी होता है कुछ हमने कहा हाँ बिल्कुल होता है तो फिर तो याद करना पड़ेगा मैंने कहा नहीं याद करना मैं तुम्हें जुगाड़ बताता हूँ दिखाता हूँ सारा टेक्निक है बेटा सारा टेक्निक मतलब ए टू जेड अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो हम आंसर यहां से निकाल लेंगे ठीक ना उसने ऐसे क्वेश्चन बनाया तो हम आंसर यहां से निकाल लेंगे हमारे पास हर एक तरीके का रामबाण इलाज है मैं सच बता रहा हूं ध्यान से सर इन तीनों को याद कैसे करना है याद नहीं करना है बेटा जो जुगाड़ बता रहा हूं सुनते रहो अच्छा ये बताओ तुमने अभी तक थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा और तुमने एक चीज तो देख लिया होगा मैं बार बार इसको बना रहा हूं बार बार जब जब काइनामेटिक चेन की बात हो रही है तो मैं इसको बना देता हूं आते ही मैं सबसे पहले मेरे को कोई कहता है ना मशीन बनाओ मेरे को कहता है मशीन बनाओ तो मैं ऐसे बना के बैठ जाता हूं मैंने कहा यही मशीन बनेगा तो मुझे अंदर से बिलीव है कि ये क्या बनने वाला है ये काइनामेटिक चेन बनने वाला है क्या बनने वाला है काइनामेटिक चेन मतलब क्या बनने वाला मशीन बनने वाला बोलो हाँ या ना क्योंकि हमें देखो दो तीन चीजें हमें क्लियर होती है कि ये बनेगा स्ट्रक्चर इसमें मोशन नहीं होगा ये तो हमने फर्स्ट क्लास से चिल्लाते हुए आ रहा हूं ठीक है ना तो आपको बस ये अगर पता है तो आपका काम हो गया क्या पता है सर कि आपका ये चीज जो है दिस इज मशीन ये मशीन बनाने वाला है दिस इज द फोर बार चेन मैकेनिज्म बिल्कुल सर अगर आपको ये पता है कि ये मशीन बनाने वाला है ये क्या है कायनामेटिक चेन बनाने वाला है काइनामेटिक चेन जो बनाता है वही मशीन बनाता तो मेरे बच्चे अब मेरे को कुछ मत करो मेरे को नंबर ऑफ लिंक नंबर ऑफ पेयर नंबर ऑफ ज्वाइंट नंबर ऑफ हायर पेयर मेरे को लिख के दे दो मैं तुम्हें आंसर कर दूंगा सर ये लिखना तो बहुत आसान है मैंने कहा बताओ एक देखो सर एक दो तीन चार नंबर ऑफ लिंक चार नंबर ऑफ पेयर सर एक और दो का पेयर सर दो और तीन का पेयर सर तीन और चार का पेयर सर चार और एक का पेयर कितने पेयर चार पेयर कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट एक ज्वाइंट दो ज्वाइंट तीन ज्वाइंट चार ज्वाइंट हायर पेयर सर जी हायर पेयर जीरो है नहीं ना अब तुमसे क्या हुआ एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सुनिएगा ध्यान से मैं आपको सारा मैक पॉसिबिलिटी क्वेश्चन ही बता दूंगा ठीक है ना आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द करेक्ट रिलेशन फाइंड द करेक्ट रिलेशन ठीक है ना योर ऑप्शन नंबर एज एलिजिकवल टू थ्री पी माइनस टू एलिज इक्वल टू फोर पी माइनस टू एलिजिकवल टू टू पी माइनस फोर एलिजिकवल टू टू पी प्लस फोर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा गया फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दीस फोर ठीक ना इन चारों में से करेक्ट रिलेशन क्या वो कुछ नहीं करना है मेरे भाई आपको ना ये चीज पता है नहीं है कैनिक चेन है बस ये उठा और यहां पुट कर दो जहां बैलेंस हो जाए सिस्टम दे एल बराबर आर सिस्टम क्या होगा कैनामेटिक चेन होगा मैं गारंटी दे रहा हूं देख लो ऑप्शन ए ऑप्शन ए में चले एल बराबर थ्री पी माइनस कितना है सर चार पी कितना है चार माइनस दो चार किया बारह माइनस चार इज नॉट इक्वल टू आर यू गेटिंग तो ये इक्वल नहीं होगा तो भाई आप करके देख लो ये इक्वल नहीं होगा ये इक्वल नहीं होगा ये इक्वल नहीं होगा ओनली ये इक्वल होगा, ये होगा। समझ में समझ में आप करके देख लो एल इज इक्वल टू टू पी माइनस फोर फोर इज इक्वल टू आपको लग रहा होगा बना दिया रे रुको बता चार दुनिया आठ माइनस चार चार बराबर चार है ना इफ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दैट चेन इज कॉल्ड एज ए कामेटिक चो तो यहां से कंक्लूजन निकला उस चिंटू को यहां में लिखूंगा कि क्या निकला कंक्लूजन इफ द एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दैट नोने कायनामेटिक चेन यस और नो अब आप सोच रहे हो कि क्या ऐसा कैसे पॉसिबल अभी दिखाता हूं देखो अगला जो रिलेशन है मेरे बच्चे अगला जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं जे इज इक्वल टू थ्री बाई टू एल माइनस टू अगला जो रिलेशन है जे इसको याद करना पड़ेगा याद मत करो आपको यह पता है ना जी सर बस जाके रख दो जे बराबर चार जी सर थ्री बाई टू इन टू चार माइनस दो दो दूनी चार तीन दूनी छह माइनस दो चार बराबर चार याद करने की जरूरत है नहीं सर बिल्कुल फॉर्मूला तो आ गया अब तो फॉर्मूला कुछ नहीं करेंगे वैल्यू पुट करेंगे आंसर कौन सा ऑप्शन सही है बात समझ में ना आपसे सीधा इक्वेशन पूछा जा सकता है पहला जो क्वेश्चन बनता है या तो आपसे सीधा इक्वेशन पूछा जा सकता है मेरे बच्चे सीधा इक्वेशन पूछा जा सकता है मेरे बच्चे ध्यान से ठीक ना ना अब बात आती है बेटा ध्यान सुनिएगा तीसरा रिलेशन देखो ध्यान से दूसरे रिलेशन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एच बाई टू एड किया है दूसरे रिलेशन में मैंने एच बाई टू एड किया मेरे बच्चे ध्यान से दूसरे रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड में एच बाई टू एड किया बाकी सब सब सेम है तो आपको मैं दिखा देता हूं चलो सर उसमें वैल्यू रख के देखे रख के देख लो सर वो इक्वेशन क्या थी अरे बताता हूं देखो वो इक्वेशन थी जे प्लस एच बाई टू ज इक्वल टू थ्री बाई टू एल माइनस टू मेरे बच्चे ध्यान से देखो एच क्या है एच क्या है सर जी एच जीरो है अगर एच जीरो है मेरे बच्चे तो एच जीरो हो गया जे क्या होगा चार चार माइनस दो छह माइनस दो चार बराबर चार हो गया तो आज के बाद आज के बाद इसको कभी याद नहीं करना है आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नो फटाफट बताओ आज के बाद कभी भी इसको याद नहीं करना है मेरे बच्चे ध्यान से आज के बाद इसको कभी याद नहीं करना है सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी है कि आपको चीज क्या है कायनामेटिक चेन है जल्दी से जल्दी बताओ मेरे को जल्दी से जल्दी बताओ मेरे को जल्दी से जल्दी बताओ कि यह क्या है बेटा ये काइनामेटिक चेन है ठीक है ना ये सारे ध्यान नहीं रखने आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है का चेन दैट्स इट नाउ एक बच्चा बोला कि सर यहां एक और क्वेश्चन आता है मैंने कहा क्या कहता है इसका यूज पूछा जाता है अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत तो नहीं है एल एच एस बराबर आर एच एस करके खत्म करना मेरे चिंटू रट्टा मारना छोड़ दो क्योंकि सच बता रहा हूं इतने फॉर्मूले हजार से हजार दो तो हजार फॉर्मूले होते हैं जब एग्जाम देने आप जाते हो तो, तो रट्टा मत मारो बस मैं यही कहूंगा गेटिंग ना ठीक है तो बेटा एल एच एस बराबर आर एच एस टू दुनिया समझ गई बेटा एक क्वेश्चन और आता है जैसे आजकल आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बहुत बनने लग गया है ठीक है हाँ इसके बाद बात करते हैं देखो आजकल एक क्वेश्चन बहुत बनने लग गया है क्या आप लोग शायद इससे पहले भी देखे हो आपसे पूछेगा मेरे बच्चे सुनिएगा ध्यान से आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा चेन है आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है ना आपसे पूछेगा ये कौन सा चेन है याद है आप लोगों को ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन याद है आपसे पूछेगा ये कौन सा चेन है तो आप लोगों ने आंसर क्या था अनकंस्ट्रेंड चेन याद आ रहा है याद आ रहा है ठीक है ना ये कौन सा चेन है तो आप लोगों ने कैसे किया था आप लोगों ने कैसे किया था वन टू थ्री फोर फाइव और आप लोगों ने क्या किया कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया था इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम टू आया था तो हम लोगों ने इसको क्या बोला था दिस इज द अनकंस्ट्रेंट चेन याद आ रहा है याद आ रहा है बच्चा लोग बोलो हाँ या ना जी सर बेटा ये जो है ना क्वेश्चन इसका ये जुगाड़ है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हुआ तो अनकंसटेंट हो गया इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो बताता हूं

अगर आप मानो या ना मानो मानो या ना मानो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है ठीक है ना शायद आपको अभी फील नहीं होगा लेकिन मैं तो दिखा देता हूं ये मानो ना मानो आप एल एच एस आरएचएस को मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड करके टू से मल्टीप्लाई करके देख लो ठीक है ना जब आप टू से मल्टीप्लाई करोगे टू जे और एच हो जाएगा यहाँ थ्री एल और यहाँ हो जाएगा फोर ठीक है ना तो भाई कॉमन कर लेंगे तो उसी हिसाब से हम जो चेक कर लेंगे ठीक है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आ जाएगा आप मानो ना मानो ये इक्वेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे बच्चे में बार बार बोल रहा हूँ किसी को कोई ज्ञान नहीं था तो का उठा उठा के मारते थे अभी मैं आपको दिखाता कितने लोगों को देखना है इक्वेशन है दिखा दो दिखा दो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन है देख लो अभी मैं दिखाता अभी दिखा देता हूं देखो ध्यान से देखो कुछ नहीं करना टू से मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा टू जे प्लस एच इधर क्या होगा थ्री एल टू से मल्टीप्लाई और टू कट गया यहाँ क्या होगा फोर हा या ना, हा या ना? बिल्कुल सर नाउ अगर मैं एक काम करूं टू जे प्लस एच थ्री एल फोर को मैं थ्री माइनस वन ऐसे करू माइनस थ्री माइनस वन डन बिल्कुल Now, मेरे बच्चे आप सुनो माइनस वन को इस साइड ले और इसको इस साइड ले जाओ तो माइनस वन इधर आके प्लस वन बिल्कुल यहां थ्री एल और थ्री से अगर मैं थ्री कॉमन कर लू तो एल माइनस वन और ये इधर जाएगा माइनस टू जे और ये इधर जाएगा एच मेरे बच्चे आप देखो ध्यान से ये इक्वेशन क्या है थ्री एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच ये है क्या और ये वन का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है तो वन है तो भाई कुर्जबैक के क्वेश्चन को चुरा चुरा कर घुमा घुमा कर पेश किया गया हमारे सामने और कुछ नहीं तो मैं आपसे कहता हूं बेटा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये कौन सा चेन है तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रखो जे प्लस एच बाई टू थ्री बाई टू एल माइनस टू या तो आप डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के चेक कर लो यार मेरे हिसाब से इसको रट्टा मारने से अच्छा है डिग्री ऑफ फ्रीडम दो समय में निकाल लेना पांच लिंक है एक लूप है दो, दो एक, और एक तीन पांच माइनस तीन आंसर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम दो अनकेंशन यार इसको याद करने से अच्छा है कि हम इससे कना कर लें बोलो हा या ना यस और नो गाइस जल्दी जल्दी बताओ यस और नो उसको रट्टा इसको रट्टा मारने से अच्छा है कि हम इससे ना कर लें लेकिन नहीं एग्जामिनर तो हमें क्वेश्चन पूछेगा हमें फॉर्मूला पूछ लेगा एक पूछेगा तो फॉर्मूले तो मुड़ा ही देंगे ठीक ना अब देखिए आपको एक चीज और दिखाता तो, हूं एक चमत्कार तो रखिएगा अच्छा ये एक यूनिक इक्वेशन है ठीक है ना यहां से एक यूनिक इक्वेशन निकल के आया बेटा ध्यान रखिएगा ये एक यूनिक इक्वेशन है ये दोनों आपस में को रिलेट है अच्छा इन इक्वेशंस का क्या खेल है जरा मैं बताता हूं अगर इस इक्वेशन में एल एच के बराबर हो जाता है तो वो वह चेन कहलाता है सुनिएगा ध्यान से इन तीनों इक्वेशन की चर्चा कर रहा हूं ठीक है ना इन तीनों इक्वेशन की चर्चा कर रहा हूं कि अगर एल एच आरएचएस के बराबर हो जाता है तो वो काइनामेटिक चेन कहलाता है ठीक है ना अगर एलएचएस ग्रेटर देन आरएचएस हो जाता है तो वो लॉग्ड चेन कहलाता है लॉग्ड चेन बोले तो स्ट्रक्चर अगर एलएचएस लेस देन आरएचएस होता है तो वो अनकंस्ट्रेंड चेन कहलाता है अनकंस्ट्रेंड चेन ध्यान रखिएगा या इनकम्प्लीट चेन नाउ बचा लोग सुना मेरी बात अब उसी इक्वेशन में अब किस इक्वेशन में भाई को जो तीन रिलेशन बताया अब जैसे मान लो हमें क्वेश्चन आया कि ये कौन सा चेन है डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल के देख सकते हो ये मेरा जुगाड़ है आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अब मान लीजिए आपने इसके अंदर वैल्यू रखी कितने ज्वाइंट है भाई एक दो तीन चार पांच पांच ज्वाइंट है पेर है ही नहीं इधर सॉल्व करो थ्री बाई टू कितने लिंक है पांच माइनस दो पांच लिंक है ना पांच या पंद्रह बटा दो साढ़े सात माइनस दो साढ़े पांच इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है बड़ा अगर मैं तुमसे कहता हूं यहां क्या हुआ एल एच एस लेस देन आर एच एस जब भी एल एच एस लेस देन आर एच एस होता है क्या बनता है बेटा अनकंस्ट्रेंड चेन क्या बनता है बेटा अनकेंट चेन बोलो या ना देखो ध्यान से LHS less than RHS क्या बनता है बेटा देोसास्टेंट चेन मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान हुआ क्या मैं आपको बताता है ना दो हजार बारह नहीं चौदह कि तेरह था आई थिंक याद नहीं आ रहा बारह तेरह चौदह में से कोई एक साल था जहां ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया ठीक ना मैंने गेट का पेपर दिया मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूं समझना मैं आपको ये बता रहा हूं कि जुगाड़ निकाला कहां से मैंने हुआ क्या उस समय मेरा पेपर हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन आया और उस समय इतना दिमाग लगा नहीं पाता ठीक है ना आई थिंक बीटेक में था ट्वेल्थ बारह की ही बात है चेक कर लीजिएगा दो हजार बारह की ही बात होगी तो उस समय क्या हुआ क्वेश्चन ये हुआ कि यार ये क्वेश्चन निकालना इसका अनकंस्टर्न चैन है कि नहीं मैं एग्जाम में गया पूरा रट्टा मार के गया भयंकर वाला रट्टा मार के गया इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले का भयंकर वाला रट्टा मार के गया कहा ठीक है भाई चलते एग्जाम में गया मैंने सब यह मैं सुनते रहिएगा मैं यहां तक पहुंच गया इस पॉइंट तक अब इस पॉइंट के बाद मेरे को याद ही ना आए कि एल एच एस लेस देन आर एच एस होता है तो होता क्या है बात समझ में आया मुझे ये कंडीशन याद नहीं था कि अनक चेन है कि है, है। सुनिएगा मेरी बात इसका मतलब कि ये तीनों चीजें जो है ये याद रखना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर बाय बाय मिस्टेक आपने द वे दूला याद है आपको मान लीजिए आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आप याद करके गए हो रट्टा मार के गए हो ठीक है ना अब वहां हुआ क्या कि ये तीनों में आपको ये तीनों कंबाइंड ही नहीं हो पा रहा सर पहला वाला तो हो गया मैंने कहा कैसे कहता है सर जहां एल एच एस आर एच एस बराबर होता तो है मशीन बनेगा और क्या वो तो पता ही है सबको ये तो सबको पता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चा लोग यहां और यहां इन दोनों में भयंकर वाला कंफ्यूजन क्रिएट होता है मैं बता रहा हूं तो मैंने इसका एक तोड़ निकाला मैंने इसका एक तोड़ निकाला सुनिए ना मेरे बच्चे मैंने इसका एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो चार ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन में तीन ऑप्शन तो यही तीनों होते हैं ठीक है ना तीन ऑप्शन तो यही तीनों होते हैं अगर इक्वल हो गया तो दुनिया और आप लेस में सुनिएगा से कोई एक बता दू इन दोनों से कोई एक बता दूं तो अगला अपने आप याद हो गया बिल्कुल सर चलिए मैं बताता हूं यहां क्या लिखा है ये क्या है एल एच एस ये क्या है बेटा एल ये क्या है बेटा एल ठीक है ना एल को क्या किया अपन ने ग्रेटर बोला एल को क्या किया ग्रेटर बोला ग्रेटर बोलने का मतलब पीरिटी दी है क्या दिया है पीरियोरिटी दी है तभी ग्रेटर एल इज ग्रेटर देन आर एच एस तो एल को क्या दिया पीरियोरिटी दी है तो एल को जब आप पीरियोरिटी दोगे तो एल फॉर लॉग्ड चेन एल फॉर लॉग्ड चेन अपने आप याद आ जाएगा अपने आप याद आ जाएगा मेरे बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं एल को आपने पीरियोरिटी दी है जी सर एल फॉर एल को आपने पीरियोरिटी दी है मतलब आपने उसको ग्रेटर बोला इसका मतलब L for, L for Chain, कहानी खत्म अब देखिए ध्यान से अब देखिए ध्यान से जब मैं इस क्वेश्चन में गया वापस जब मैं इस क्वेश्चन में गया वापस तो मैंने जुगाड़ देखा कि यार एल को पीरियोरिटी दिया मैंने कहा नहीं एल को लेस देन बोला इन लोगों ने मैंने कहा ठीक है तो लॉक्ड चेन नहीं होगा का चेन तो वैसे भी नहीं है चेन भी नहीं होगा ऑप्शन देखो अगला क्या कह रहा एक में लिखा, है एक में लिखा है एक में लिखा है एनी वन ऑफ द ठीक ना भी तो यार लेस देन है तो कॉमन सेंस है जो अगला ऑप्शन बचा वही आंसर है, है और नहीं तो मैं आपसे तो एक ही चीज कहूंगा आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है आपको सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने आता है आप सब कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूं ये तोड़ है ये हर किसी का तोड़ है मैं बता रहा हूं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम हर किसी का तोड़ है ठीक ना आपको यह तीन रिलेशन याद करना है तो करो नहीं तो मैंने आपको ये तीन रिलेशन को टिक मारने का जुगाड़ दे दिया है कैसे देखो अगर रिलेशन एग्जाम में आता है अगर सीधे रिलेशन एग्जाम में आता है तो टिक मारने का जुगाड़ दे दिया है अब हुआ क्या एक एग्जाम था एक एग्जाम था किसका आई थिंक एयरफोर्स में था एग्जाम कुछ वहां टेक्निकल के क्वेश्चन आते थे मैकेनिकल के ना वहां एक एग्जाम में क्वेश्चन आया सुनिएगा ध्यान से कि कौन सा रिलेशन सही है अब सुनिएगा मेरी बात पूरा ध्यान सुनिएगा एलिजिकल टू टू पी माइनस फोर ठीक है ना वहां ये ऑप्शन नहीं था वहां ये ऑप्शन नहीं था बाई मिस्टेक नहीं था तो भाई उसकी जगह हमें एक आंसर मारना था सुनिएगा वहां ये क्वेश्चन क्या हो गया मेरे को याद है वो क्वेश्चन मेरे बच्चा पूछा था मुझसे वहां ये ऑप्शन नहीं था वहां था P इक्वल टू टू एल माइनस फोर और उस एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को कुछ नहीं किया उसका आंसर यही दिया जानते हो क्यों? क्योंकि तुम रख के चेक कर बच्चे ध्यान रखना कि ये चीज क्या है गलत है हमारा एक्चुअल इक्वेशन क्या एल इज इक्वल टू टू पी माइनस फोर Equal to minus 4 नहीं, बिल्कुल गलत ध्यान रखिएगा ठीक है तो आई थिंक काइनामेटिक चेन के अंदर जितने भी रिलेशन है आई थिंक आप लोग को याद हो गया यस और नो जल्दी जल्दी बताओ ठीक है ना बताओ जल्दी से जल्दी बताओ जल्दी से जल्दी बताओ रोहित 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 आज शाम तक तो वीडियो आ जाएगी डोंट टेक टेंशन बेटा काहे परेशान होते इतना ठीक है ना चलो ठीक है इतना क्लियर है बेटा इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर बोलो हा और नो yes no? ठीक है तू ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टू अनकंस्टेंट इन एल एच एस लेस देन आर एच एस ठीक है 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 डन 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 चलो 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 मेरे बच्चा लोग आपको शायद इक्वेशन समझ में आ गई होगी ठीक है ना आपको ये चीज समझ में आ गया इतना आ गया दैट्स इट अब ये तो रहा काइनामेटिक चेन का कहानी बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ काइनामेटिक चेन टाइप्स ऑफ काइनामेटिक चेन में बहुत सारे चेन है ठीक है ना आप लोग को बता ही देता हूं उसके बाद ही आगे चलेंगे ठीक ना अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ काइनामेटिक चेन टाइप्स ऑफ काइनामेटिक चेन मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा ठीक है ना ध्यान रखिएगा मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा ठीक है ना उसके बाद हम लोग इसके आगे बात करेंगे कल से इनवर्जन कल से स्टार्ट होने वाला है ध्यान रखिएगा टाइप्स ऑफ काइनामेटिक चेन की अगर मैं बात करना चाहूँ बच्चा लोग तो सुनिएगा ध्यान से काइनामेटिक चेन कितने टाइप्स होते हैं एक होता है फोर बार चेन मैकेनिज्म मैकेनिज्म मत बोलो फोर बार चेन एक होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एक होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन ठीक है ना ध्यान रखिएगा ये तीन टाइप के होते हैं बेटा तीन टाइप के होते हैं फोर बार चेन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन देर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ चेन माय डियर फ्रेंड थ्री टाइप्स ऑफ चेन तीन टाइप के हैं चेन चेन फोर बार सिंगल स्लाइडर एंड डबल स्लाइडर आर यू गेटिंग ना ठीक है ना इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ काइनामेटिक चेन ओके इसको मैं कल पढ़ाऊंगा इसको अपन कल पढ़ाएंगे अब हम बात करते हैं बेटा जब कामेटिक चेन हम पढ़े ठीक ना काइनामेटिक चेंज जब हम पढ़े मेरे बच्चे उस समय एक साइंटिस्ट था जो बहुत फेमस हुआ उसका नाम था ग्रेस ठीक है ना उसका नाम था ग्रेस ऑफ रह गया इंतजार कर रही है दुनिया ग्रेस की आ गया ग्रेस चलिए काइनामेटिक चेंज जब हम पढ़ रहे थे बच्चा तो उस समय एक साइंटिस्ट था मेरे बच्चे सुनिएगा ध्यान से ठीक है ना बेटा ये गेट ईसी दोनों की क्लास है ध्यान से सुनिएगा चलिए यस सर क्लियर चलो बेटा कहानी अब शुरू होती है जिसके लिए आज बुलाया है दैट इज ग्रेस ऑफ अच्छा क्यों कहा गया वाई 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 ग्रेसॉफ इज कॉल्ड एज अ गॉड ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन क्यों कहा गया ग्रेस ऑफ को गॉड ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन ऐसा क्या है वट इज द रीजन मेरी बात बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों ठीक है ना कोशिश करते हैं समझाने की अब जब हम कायनामेटिक चेन पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा कायनामेटिक चेन में हमने कायनामेटिक चेन में पढ़ा कि चार लिंक आपस में कनेक्ट होगा और पहला लिंक आखिरी लिंक से जुड़ा होगा ठीक है ना पहला लिंक का स्टार्टिंग आखिरी लिंक के एंड से जुड़ा होगा और एक चेन बना रहा होगा कायनामेटिक का मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा अब जब रिलेटिव मोशन हुआ ना तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेटिव मोशन देखने को मिले मेरे बच्चों ध्यान सुनिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेटिव मोशन देखने को मिले बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने सुनिएगा ध्यान से आपको रट्टा नहीं मारना है गारंटी ले रहा हूं ठीक है ना जहां क्या हो रहा था एक लिंक सबसे छोटा एक लिंक सबसे बड़ा और बाकी के दो लिंक नाउ अब सुनिएगा हु इज ग्रैस ऑफ ग्रैस ऑफ हुआ क्या मैं आपको बताता हूं स्टार्टिंग से ठीक है ना कुर्जबैक ने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक क्वेश्चन निकाला था याद है बिल्कुल

माइनस एच माइनस एफ आर का जो ये रिलेशन था मेरे बच्चे उसमें ने बोला कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक आया तो कायनामेटिक चेन बनेगा ठीक है ना काइनामेटिक चेन बनेगा और इसी चेन से क्या बनेगा बेटा मसीह मेरी बात समझिएगा वो क्या खामी थी आपको पता है ना दुनिया में जब जब एड एडवांस हुआ है कोई भी चीज किसी चीज में कमी रह गई है तभी तो उसका एडवांस वर्जन आया बिल्कुल आज कुर्जबैक को नहीं पूछा जाता आज ग्रेसॉफ को भगवान माना जाता है इसका रीजन रीजन क्या इज़ द सो मेरे बच्चे सुनिएगा ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में एल इज द नंबर ऑफ लिंक जे इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट एच हाइयर पेर लिंक देखना अब हुआ क्या कि लोगों को मशीन बनाना था जब कुर्जबैक था लोगों को मशीन बनाना था क्या बनाना था मशीन तो लोगों ने क्या किया पहले ड्रॉ करना सीखा पहले ड्रॉ किया पहले डायग्राम ड्रॉ किया सोचा कि अच्छा चलो एक ऐसा बनाएंगे एक ऐसा बनाएंगे एक ऐसा बनाएंगे और यहां से क्या होगा मशीन बन जाएगा कैम एंड रोलर फॉलोवर है ना फिर लोगों ने ये सोचा एक काम करते हैं ऐसा बनाते हैं ऐसा बनाते हैं ऐसा बनाते हैं ऐसा बनाते हैं लोगों ने सोचा चलो ऐसा बनाते हैं इसमें लिंक फिक्स कर देंगे तो ये मशीन बन जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल निकाल चेक कर रहे थे ना अब सुनिएगा ये सब कहाँ कर रहे थे सब ड्रॉ कर रहे थे डिजाइन एक होता है ना कंपनी में एक आर्किटेक्चर होता है फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाला होता है तो पहले किसी चीज की डिजाइन तैयार की जाती है और चेक किया जाता है सब कुछ ठीक तो है फिर उसके बाद सिस्टम को काम किया जाता है ना मेरे बच्चे सुनिएगा ध्यान से तो कंपनी में हो क्या रहा था ये सब चीजें ड्रॉ हो रही थी लेकिन किसी को अंदर की बात नहीं पता थी उस फैक्ट्री में फैक्ट्री कह रहा हूं फैक्ट्री पहले फैक्ट्रिया होती थी तो बेटा किसी किसी आ, रिसर्चर ने या किसी कह लो एक वर्कर ने ठीक है ना ये ड्रॉ करके दे दिया कंपनी को कि चार लिंक है चार ज्वाइंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा एक आएगा और ये बन जाएगा मशीन ठीक है ना अब सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा Who is Grasov? Grasov एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर था वट यस ग्रेसॉफ उस फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर था क्या बात कर रहे हो सर यस माइ डियर फ्रेंड लुकेट दिस सुनो कान खोल के बहुत बड़ी चीज समझाने जा रहा हूं ग्रेसॉफ उस वर्क फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला एक वर्कर था लोग तो डिजाइन बना के दे देते थे और कहते थे कि बना लो ठीक है ना बना लो तो ग्रेसॉप के पास जब ये गया कि बना लो भाई इसको तो ग्रेसॉप कहता क्या है ऐसे यार सुनिए ध्यान से यार कहता क्या हुआ उसका दोस्त कहता क्या हुआ कहता यार इन साहब लोगों ने तो ये बोल दिया कि चार लिंक लो चार को जोड़ दो बन गया डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बन गया मशीन यार किसी ने ये नहीं बताया यार, किसी ने ये नहीं बताया एक लिंक इतना बड़ा लू एक लिंक इतना ले लो एक लिंक इतना ले लो और एक लिंक इतना ले लो मैं इन चारों को जोड़ दू बन जाएगा मशीन बन जाएगा मशीन, बताओ बन जाएगा मशीन अब सोच में पड़ गया वो ग्रह कहता है यार अभी तक सब ने ये बताया अभी तक कुछ बैग नहीं बताया कि चार लिंक लो चार ज्वाइंट लगाओ बन गया मशीन एक लिंक को फिक्स कर दो बन गया मशीन किसी ने यह चीज फोकस किया कि व्हाट इज लेंथ ऑफ लिंक लिंक की लंबाई कितनी होनी चाहिए किसी ने भी सोचा एनीवन नहीं मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब यह चीज था किसी ने भी नहीं सोचा यार एक चीज बता मेरे भाई चार लिंक कोई भी ले लें और उसको जोड़ दें बन जाएगा मशीन कहां से ऐसा है डिग्री ऑफ फ्रीडम एक करके हम कहीं इतना बड़ा लिंक ले लें यहां से हम कह रहे हैं कि आगरा तक का इतना बड़ा लिंक ले लें एक लिंक इतना बड़ा एक लिंक ले लें हम यहां से 100 मीटर के डिस्टेंस में इतना बड़ा बन जाएगा मशीन सब सोच में पड़ गए सभी लोग ठीक है ना और ये चीज सोचा कितने था इस फैक्ट्री के एक वर्कर ने क्यों क्योंकि वो दिन रात उसी चीज पे काम करता था उसको ने एक कमी दिखाई दी उसके बाद उसने वो काम किया उसने सोचा फिर उसके बाद उसको एक और कमी दिखाई दी कहता है क्या उसका दोस्त कहता है का क्या हुआ कहता है भाई एक चीज और बता कि भैद जो है ये तो बता के गया कि ये बना दो डिग्री ऑफ फ्रीडम एड कर दो मशीन कुछ कुर्जबैक ने ये नहीं बताया कि कौन सा मशीन बनेगा कौन सा मैकेनिज्म है कौन सा मशीन बनेगा अभी तक बताया किसी ने कहता नहीं खेर ये तो अधूरी बात हो गई फालतू में उसको किंग ऑफ द थ्योरी ऑफ मशीन कहे जा रहे हैं हम लोग तो उसके दोस्त ने कहा कि तू कुछ कर सकता है तो कर अदरवाइज चुपचाप काम कर यही होता है तू कुछ कर सकता है तो कर ग्रेसॉप कहता मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं कहता ठीक है तो ग्रेसॉप निकल पड़ा तो ग्रेसॉप क्या करता है सुनिएगा मेरी बात ग्रेसॉप कहता है यार ये सब चीज हटाओ ग्रेसॉप कहता है मेरे भाई सुनिएगा ध्यान दिया से कि किसी भी मैकेनिज्म में किसी भी मैकेनिज्म में चार लिंक होने चाहिए सुनिएगा किसी भी मैकेनिज्म में चार लिंक होने चाहिए लिंक की लंबाई आप डिसाइड करोगे लिंक की लेंथ आप डिसाइड करोगे। ठीक है लिंक की लेंथ डिसाइड करने के बाद ध्यान रखिएगा। चार लिंक में से चार लिंक में से एक लिंक सबसे छोटा होगा आप मेरी ये चार उंगलियां देख रहे हो जी सर देख रहे हैं इन चार उंगली में एक सबसे छोटा उंगली है बिल्कुल सर ये रहा एक सबसे बड़ी उंगली है जी सर ये रही और बाकी के दो बीच में है बिल्कुल सर तो गाइज कॉमन कॉमन सेंस है कि अगर चार चीजें हैं तो कोई ना कोई एक सबसे छोटा एक सबसे बड़ा और दो उसके बीच में होंगे अब मेरी बात पूरी तरीके से सुनिएगा ग्रेसॉप ने अपना कॉमन सेंस यूज किया और ग्रेसॉप कहता है कि अगर ये चार लिंक इस तरीके से ज्वाइंट है एक लिंक सबसे छोटा एक लिंक सबसे बड़ा और बाकी के दो लिंक है ठीक है ना और उनकी लंबाई जो है डिपेंड कर रही है उनकी लंबाई जो है पूरा डिपेंड करती है तो अगर ऐसा है तो मैं अपना लॉ देता हूं आज के बाद और ग्रेसोप ने अपना लॉ दे डाला मैं यही लिख देता हूं ग्रेसोप ने अपना लॉ दे डाला एस प्लस एल इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू ग्रेसॉप ने अपना लॉ दे डाला और कहता है एस इज द सबसे शॉर्टेस्ट लिंक एल इज द सबसे लॉन्गेस्ट लिंक पी एंड क्यू इज द बाकी के बचे दो लिंक ठीक है ना कहता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़े का सम दोनों की लंबाई का सम अगर बाकी के दो लिंक के सम से छोटा है या बराबर है तो मशीन बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा कहते है यार तू भी बोल दिया नहीं बनेगा कहता यार सही जरूरी थोड़ी ना कि हम ऐसा मशीन बने ठीक है ना अगर ऐसा है तो बनेगा अगर नहीं है तो नहीं बनेगा अच्छा तो भाई फिर उसका दोस्त ग्रेसॉप से पूछ रहा है सुनिएगा मेरी बात ध्यान से तो ग्रेसॉप ने कुछबैक को जवाब क्या दिया मेरी बात पहले सुनिए ग्रेसॉप से तो कुछबैक भैया या कुर्जबैक चाचा आपने जो ये इक्वेशन बनाया ना उस इक्वेशन को हम फिगर तक रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन उस इक्वेशन का हम रियल लाइफ में जब हम यूज करते हैं ना तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है बहुत नुकसान होता है कैसे नुकसान होता है मटेरियल लॉस होता है कैसे लॉस होता है क्या यार तुम कह दिए कि चार लिंक ले आओ चार ज्वाइंट तो, लगा दो बन गया मशीन तुमने एक बार भी ये बोला कितना कि बड़ा कितना बड़ा लिंक ले आओ वहां लेबर काटे पड़े हैं कितना भी बड़ा लिंक जितना मन हो रहा है किसी का मन हो रहा है दस सेंटीमीटर काट लो किसी का मन हो रहा है पंद्रह मीटर काट लो कोई मतलब ही नहीं है कितने का काटना है काटे जाओ मटेरियल लॉस करना है लॉस करो तब निकला ग्रेसॉक ग्रेसॉफ सेज कि यार मैं फोर बार चेन पे काम करूंगा और फोर बार चेन मैकेनिज्म का सारा चीज समझाऊंगा ठीक है डन फोर बार से बने हुए चेन को कहते हैं फोर बार चेन ठीक है ना सुनेगा ध्यान से तो सबसे छोटा सबसे बड़े का सम हमेशा लेस देन इक्वल के Now, अब अब कहता कहता है अब कहता है कि तुमने ना तुमने ना ये नहीं बताया कि कौन सा मशीन बनेगा दुनिया को आधा ज्ञान दिए फिरे हो कुबैक को ग्रेसॉफ कहता है कि दुनिया को आपने आधा ज्ञान दिया है दुनिया को आपने आधा ज्ञान दिया आप दुनिया को पूरा ज्ञान दीजिए क्या पूरा ज्ञान क्या है सर आप ये तो बताया नहीं कौन सा मैकेनिज्म बनेगा बस दुनिया जानती हो मशीन बन जाएगा मशीन है मशीन है मशीन है मशीन है मशीन है दैट्स इट दुनिया को यह भी तो बताओ कौन सा मशीन है बात समझ में आया मतलब मैकेनिज्म के नाम ये तो डिसाइड नहीं किया आपने तो भाई ये हम करेंगे इसीलिए हम क्या कहलाएंगे द गॉड ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन द गॉड ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन मेरे बच्चों समझिए कोशिश कीजिएगा ठीक है ना द गॉड ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन ठीक है ना चलिए No. मेरे बच्चे सुनते रहिएगा अगर आपने ये इक्वेशन वैलिड कराया तो ग्रेस ऑफ़ वैलिड है और ग्रेस ऑफ अगर वैलिड है मेरे बच्चे सुनते रहिएगा ध्यान से अगर ग्रेस ऑफ वैलिड है तो आप कर सकते हो ग्रेस ऑफ वैलिड है तो ये मशीन बनाएगा और ग्रेस ऑफ ये भी बताने वाला है कौन सा मशीन बनाएगा कौन सा मैकेनिज्म बनाएगा ठीक है ना ठीक है ना क्या हुआ आ, हेलो सर एक्ससी पीपीएल देखो एक चीज बताओ जितने गेट के बच्चे जो चैलेंजिंग के लिए परेशान ना हो ये क्लास होगा इस क्लास के बाद आज शाम तक चार पांच बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा जो भी जुगाड़ है आपका ठीक है ना चैलेंज का डेट चार तारीख तक है बंद नहीं हो जाएगी खिड़की का परेशान हो क्लास तो होने दो एक्चुअली आज आज ओपन होने वाला था चैलेंजिंग विंडो वो कल रात में ही ओपन कर दिए ठीक है ना तो परेशान मत हो यार कर देंगे चार बजे तक कर लेना चार पांच बजे तक कर लेना चार तारीख तक खुला रहेगा विंडो का खिड़की थोड़ी ना बंद कर देंगे उनको तो पेमेंट है ना पांच सौ रुपया खर्च करोगे तो खिड़की नहीं बंद करेंगे परेशान हो सब ओपन रहेगा चैलेंजिंग कर सकते हो ऐसा नहीं है और मैं भी ये भी समझा रहा हूँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कोई एक बच्चा कोई एक बच्चा एक ही क्वेश्चन पे चैलेंज करे ये नहीं कि मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर बावन फिफ्टी टू ठीक है ना और बावन नंबर पे ही पांच सौ बच्चे पांच सौ रुपया देकर पर बच्चा पांच सौ रुपया देकर एक ही क्वेश्चन पे चैलेंज कर रहे हो कोई मतलब नहीं एक बच्चा भी कर दिया सबको नंबर मिलेगा काहे परेशान हो रहे हो ठीक है उटिशन ऑफ द लिंक इज प्लेस एट वर्ड पोजिशन करेक्ट अच्छा या चलो चलो बेचारो आप सुन लो मेरी बात ध्यान से यार। मैं क्या कहानी सुना रहा हूं कहानी में चलो यार कमेंट नहीं देखूंगा ठीक है ना तो ग्रेसॉफ ने कहा मेरे भाई समझने की कोशिश करना ग्रेसॉफ ने कहा कि कौन सा लिंक कहा होना चाहिए किस अवस्था में होनी चाहिए कौन सा लिंक हम कब फिक्स करेंगे ठीक ये सारी चीजें डिसाइड किया दैट इज ग्रेसॉफ ग्रेसॉफ ने कहा कौन सी लिंक करें तो क्या बनेगा हम ये भी आपको बताने वाले हैं सुनिएगा ध्यान से तो के पास ना बहुत सारी चीजें अधूरी थी ठीक है ना कि कौन सा लिंक होगा किसको फिक्स करेंगे तो क्या बनेगा ये सारी चीजें कुछ नहीं बताया था वो वो सिर्फ बताया था कि ये कर लो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक आ गए मशीन बन गए तो इसलिए उसलिए लोग लो उसको भगवान सॉरी किंग मानते थे राजा भगवान ने भगवान उसे बड़ा होता है ठीक है ना चलिए तो ग्रेसॉफ का कंडीशन जो था मेरे बच्चे ग्रेसॉफ का जो कंडीशन था ग्रेस लॉ स्टेट दैट ये एक बार किसी मेंस एग्जाम में आ चुका है ठीक है आपको लग रहा होगा बस इतना ही आया था नहीं भाई इसके बाद बहुत कुछ आया था ग्रेस लॉ स्टेट दैट फोर बार लिंक इफ द द सम ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक इन द प्लेनर द्लेनर इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू लिंक ओके नाउ माय डियर फ्रेंड विथ रेस्ट मै सी दिस ये अगर हम बात करना चाहूं इन फोर बार चेन देर आर फोर टर्निंग पेर, नो स्लाइडिंग पेर, ये सब चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगा ये लाइन में आपको कल स्वेच्छा के अनुसार आपको टेंशन मत लो जब हम इनवर्जन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले फिर से चेन देखेंगे परेशान ना हो अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि का कहना था एस प्लस एल इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू इसका मतलब क्या है समझते थोड़ा देखो ये कंडीशन दो केस है एक लेस देन है एक इक्वल टू केस है बोलो एक लेस देन है एक इक्वल टू केस है अब सुनिएगा मेरे बात ध्यान से मेरे बच्चों कि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर ये चीज वैलिड होता है तो ग्रेस ऑफ वैलिड होता है अगर ग्रेस ऑफ वैलिड होता है तो मशीन बनता है ध्यान रखिएगा जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा मैं आपको करके दिखा देता हूं जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा दिस इज टू सेंटीमीटर दिस इज सेवन सेंटीमीटर दिस इज सिक्स सेंटीमीटर दिस इज फाइव सेंटीमीटर मेरे को बताइए मशीन बनेगा हाँ या ना? ये मशीन बनेगा बोलो हाँ या ना? सर जी ये दो सेंटीमीटर हाँ सर सर जी ये सात सेंटीमीटर हाँ सर सर जी ये और हाँ सर तो छोटा और बड़ा सात दो नौ और बाकी के दो छह और पांच ग्यारह तो नाइन लेस देन इलेवन क्या ये मशीन बनेगा क्या यह मशीन बनेगा क्या यह मशीन बनेगा अरे सर बिल्कुल बनेगा मजा आ जाएगा यह मशीन बनेगा मेरे बच्चों यह क्या मशीन बनेगा जी सर मजा आ जाएगा यस मशीन बनेगा ध्यान रखिएगा ठीक है ना नाइन लेस देन एलेवन तो यह मशीन बनेगा टेंशन मत लो। ठीक है ना कि ग्रेस लॉ अगर वैलिड है तो मशीन बनेगा ठीक है ना ध्यान रखिएगा ग्रेसॉफ ने बोला अब सुनो मेरी बात ग्रेसॉप ने ये काम जो किया ना ये दुनिया का सबसे अच्छा काम किया क्या कि कौन सा मशीन बनेगा कौन सा मैकेनिज्म बनेगा ये सारी चीजें बताई अब सुनिएगा जैसे कहता है नाउ लेट्स सी विदाउट फर्स्ट केस ठीक है ना सुनिएगा ध्यान से अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज और बता दू आप लोगों ने सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है यार लेस देन है कि ग्रेटर देन है मैं एक बार एग्जाम देने का पता तुम्हें मैं एक बार एग्जाम हॉल में बैठा हूं और मेरे से क्या गलती हो रहा है मैं ऐसे बैठ के सोच रहा हूं यार सचुरा इक्वल टू तो पता है मैं यही सोच रहा हूं इक्वल टू तो पता है यार ये ग्रेटर इक्वल था कि लेस इक्वल था ये जानते अक्सर किसके साथ होता है जो बच्चे रट्टा मारते जो बच्चे रट्टा मार सीरियसली मजाक नहीं कह रहा समझो मेरी बात को यहां रट्टा मत मारना अब सुनो अब सर कैसे आपने याद किया कि इधर लेस होगा मेरे बच्चों आप सुनाता हूं। इन चारों में सबसे छोटा लिंक कहां है सर इन चारों में एस एल पी क्यू में सबसे छोटा एस है ये रहा सबसे छोटा लिंक जो सबसे छोटा है जाहिर सी बात है उधर का पार्ट क्या होगा छोटा होगा बिल्कुल सही बात है जहां सबसे छोटा है मतलब इधर का पार्ट क्या होगा सबसे छोटा मतलब ये वाला पार्ट ऐसे होगा बोलो हा हाँ ना। ठीक है ना जो सबसे छोटा है उधर वाला पार्ट उसका क्या होगा उधर वाला पार्ट उसका क्या होगा सबसे छोटा बोलो हाँ या ना, यस और नो ठीक है ना जो सबसे छोटा उधर वाला पार्ट उसका सबसे छोटा बोलो यस और नो ठीक है ना मेरे बच्चे ध्यान से उसका सबसे छोटा होगा वो पार्ट इज दैट क्लियर बोलो क्लियर ना तो आराम से याद हो जाएगा जैसे आप कभी भी लिखोगे ना एक्स प्लस एल पी प्लस क्यू आपको अपने आप याद आएगा यह सबसे छोटा ये अच्छा इधर वाला पार्ट लेस होगा तुरंत ठीक आपको मजाक लग रहा होगा क्या हमको कैसे हम कैसे भूल जाएंगे हम बहुत महान है लेकिन एग्जाम में जाके ना ये भी गलती होता है प्रेशर एग्जाम प्रेशर बेटा ठीक ना हाँ अब ग्रेसॉफ कहता है कि ससुरा हमारा पहला केस ये है अब सुनिए मेरे बच्चों ध्यान से इस केस में जब एस लेस देन पी जैसा ये दिख रहा है ग्रेसोप कहता है कि तीन टाइप के मैकेनिज्म बनते हैं ग्रेसोप कहता है कि तीन टाइप के मैकेनिज्म बनते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म डबल रॉकर मैकेनिज्म क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म क्या-क्या डबल क्रैंक मैकेनिज्म डबल रॉकर मैकेनिज्म क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मेरे बच्चे ध्यान से सुनना ठीक है ना ध्यान सुनना ये तीनों मैकेनिज्म क्या है बेटा मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा स्टार्टिंग करने से पहले पहले मैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा व्हाट इज क्रैंक क्रैंक क्या होता है सर क्रैंक वो लिंक जो 360 डिग्री क्या करे रोटेट करे जो 360 डिग्री क्या कर जाए बेटा रोटेट कर जाए 360 डिग्री का क्या कर ले सिक्सटी डिग्री क्या करे बेटा रोटेट करे मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट रिवोल्यूशन ठीक है क्या करे बेटा एक कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ले यस और नो कंप्लीट रिवोल्यूशन एक पूरा चक्कर घूमे ना no. एक लिंक होता है जिसका नाम होता है रॉकर इसका नाम होता है रॉकर इसका दूसरा नाम जानते हो क्या है लीवर आप लोगों ने सुना होगा रॉकर का ही दूसरा नाम होता है लीवर लीवर का, का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं रॉकर या लीवर का, का काम होता है ऑसिलेशन का क्या मतलब ऑसिलेशन का आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा मैं आपको एनिमेशन दिखा के समझाऊंगा कहाान अब भी समझा रहा हूं अभी बस बता रहा हूं अभी एक मिनट और रुक जाओ एनिमेशन आने वाला है ठीक है सर बेटा यहां लिखा है डबल क्रैंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल क्रैंक वट इज द मीनिंग ऑफ डबल क्रैंक सर डबल क्रैंक का मतलब है कि दो लिंक रोटेट करेगा 360 डिग्री डबल रॉकर सर दो लिंक ऑसिलेट करेगा दो लिंक ऑसिलेट करेगा सर क्रैंक रॉकर अबे अब एक लिंक पूरा रोटेट करेगा एक लिंक ऑसिलेट करेगा बोलो हाँ यार सर जी एक बार और एक बार और एक बार और सर जी दिल की तमन्ना सुन लो डबल क्रैंक सर दो लिंक पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा क्रैंक का मतलब होता है 360 डिग्री रोटेट करने वाला डबल रॉकर सर दो लिंक ऑसिलेट करेगा ऑसिलेशन करता है रॉकर क्रैंक रॉकर सर क्रैंक का मतलब रोटेशन करेगा रॉकर मतलब ऑसिलेशन तो एक लिंक रोटेट करेगा एक लिंक ऑसिलेट करेगा सर एक काम करिए ना पढ़ाने से पहले एक काम कर दीजिए मेरे को समझा दीजिए मैं क्या देख लो भैया देखो क्या है सर जी डबल क्रैंक ये क्या है ये क्या है जी डबल क्रैंक ये क्या है डबल क्रैंक ये लाल वाला और पीला वाला लिंक जो है ये लाल और पीला ये दोनों क्या कर रहा है सर जी तीन डिग्री घूम रहा है दो लिंक ऐसा है जो कंप्लीट रिवोल्यूशन ले रहा है भाई तीन डिग्री घूमने का मतलब है कि एक पूरा चक्कर रोटेट कर रहा है यस और नो अरे बाबा फटाफट बताओ रे बताओ पीडीएफ कहां मिलेगी ब्रिजेश यादव जेश बेटा ये मिलेगी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आलोक लाइफ पे ठीक है ना और इसके साथ हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आने गेट में गेट में, उस उसपे भी आपको मिलेगी सो कैन सी दिस गाइस डबल क्रैंक दैट मींस टू क्रैंक रेड लिंक एंड येलो लिंक आर मेड टू क्रैंक यस और नो आर यू गेटिंग माय पॉइंट दिस इज द डबल क्रैंक ना दिस इज द डबल रॉकर या दो लिंक ऐसे हैं जो रॉक ऑसिलेट कर ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है पूरा सर्किल नहीं घूमेगा पार्ट ऑफ देखो येलो वाला और रेड वाला रेड वाला ऐसे येलो वाला ऐसे डबल रॉकर डबल रॉकर मींस टू लिंक दो लिंक क्या करेगा ऑसिलेट करेगा आर यू गेटिंग माय पॉइंट मेरी बात समझ रहे हो आज मैं सारी चीजों को कोरिलेट कर दूंगा तुमको तो पहले मैकेनिज्म को समझा लू वट इज द डबल क्रैंक इज द डबल रॉकर और आपको बता दू मैं सारे मैकेनिज्म ऐसे ही एनिमेशन से पढ़ाने वाला हूं ये गारंटी है अच्छा अच्छा ये अगला पढ़ाने वाला हूं क्रैंक रॉकर तो आप लोग बताओ क्रैंक में एक रोटेशन एक लिंक पूरा रोटेशन एक लिंक क्या करेगा ऑसिलेट है ना एक लिंक रोटेट एक लिंक ऑसिलेट देखो 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 एक लिंक रोटेट एक लिंक ऑसिलेट बोलो हायन यस और नो वन लिंक रोटेट एनदर लिंक ऑसिलेट यस और नो यस और नो बोलो उत्कर्ष सर ब्लू वाला लिंक भी रोटेट कर अरे बाबा वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा ठीक है चलो वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ध्यान से देखो उसका सेंटर फिक्स ही नहीं वो कहां से रोटेट करेगा वो अपना पोजीशन बस चेंज कर रहा ऐसे 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 ठीक है ना उसका मोशन कुछ अलग ही है पहली बात समझ में आया पहले बताओ मेरे को पहली बात तो मेरे को ये बताओ डबल क्रैंक समझ में आया डबल रॉकर समझ में आया क्रैंक रॉकर समझ में आया तब मैं कोरिलेशन पढ़ाऊंगा अब अब मैं आपको कोरिलेशन पढ़ाऊंगा पहली बात बताओ ये तीनों का मतलब समझ में आया या यान यस yes और नो यस और बताओ यस और नो समझ में आया इनका मतलब समझ में आया यस और नो यस और नो जल्दी से जल्दी बताओ सर जी समझ में आ गया दो लिंक रोटेट करेगा दो लिंक ऑसिलेट करेगा एक रोटेट करेगा एक ऑसिलेट करेगा बात समझ में आ गई क्लियर है चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा लिंक फिक्स होगा तो क्या बनेगा कैसे होगा ये सारी चीजें अब क्लियर करते हैं चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डबल क्रैंक के बारे में थोड़ा सा बता ही रहा था तो एक बार और बता ही देता हूं कि डबल क्रैंक का मतलब होता है देख लीजिए आप लोग डबल क्रैंक को क्या कहते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म का और क्या क्या नाम होता है क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म जाहिर सी बात है यार क्रैंक क्रैंक दो बार लिख दे तो डबल क्रैंक 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 दो बार लिख दे तो डबल क्रैंक लेकिन शायद आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो ये जानते होंगे कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म को ड्रैग लिंक मैकेनिज्म कहते हैं और ऐसा अभी तक किसी एग्जाम में नाम पूछा नहीं गया है

बोथ द लिंक ड फिक्स लिंक रोटेट 360 डिग्री इससे क्या पाइवोटेड फिक्स है और 360 डिग्री रोटेट कर रहा है तो आपने वहां देख ही लिया इसका मोशन तो आपने वहां देख ही लिया अगले में देखिए ये मोशन तो आपने देख ही लिया उसका ठीक है ना अब क्या है डबल रॉकर मैकेनिज्म सुन दे रही ध्यान से डबल रॉकर मैकेनिज्म सुनेगा मेरी बात

न ऑसीलेट बो द लिंक पाएड टू द फिक्स लिंक एंड ऑसिलेट दीज टू लिंक आर कॉल्ड रॉकर ठीक है ना हम लोग हमेशा फिक्स लिंक के साथ जो लिंक होता है उसको हम लोग देखते हैं कि तो वो कैसे मोशन कर रहे हैं जैसे ये वाला और ये वाला इसकी बात नहीं करते ठीक है ना ध्यान रखिएगा अब जैसे लिखा अगला क्रैंक रॉकर क्रैंक रॉकर में हम एक इसको देखेंगे एक इसको देखेंगे उससे मैकेनिज्म बनेगा तो ये 360 डिग्री घूम रहा है ये ऑसिलेट कर रहा है ठीक है ना दिस ये 360 डिग्री घूम रहा है रेड वाला और ये क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है देखो ठीक है ना तो माय डियर फ्रेंड यस इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर यस और नो बोलो चलो Now, बच्चा लोग अभी आएगा एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू तो उससे पहले मैं आप लो, लोगों को कुछ चीजें समझा देता हूं आ, या इसके आगे सुनना मेरी बात ध्यान से अब आप लोगों को कुछ चीजें मैं लिख के समझाने वाला कि अगर मान लीजिए केस एस वन एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू है लेटर सपोज गाइज इफ द एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू आर यू गेटिंग अगर ऐसा है इफ द एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू ना विच वन इज द फिक्सड लिंक मैकेनिजम ऑपटेंड मैकेनिज्म ऑफ टेन्ड ओके ना बच्चा लोग सी दिस अगर मैं बात करू फिक्स लिंक की तो गाइस सी दिस शोर्टेस्ट लिंक शॉर्टेस्ट लिंक क्या है बेटा फिक्स ठीक है ना एडजस्ट टू शॉर्टेस्ट एंड अपोजिट टू शॉर्टेस्ट अभी आपको सब समझ में आएगा एक मिनट का समय दीजिएगा इसका नाम पहले लिख लू शॉर्टेस्ट लिंक और ये और ये बेटा एक चीज सुनने की कोशिश करना मैं केस वन चल रहा है एस प्लस एस लेस देन पी प्लस क्यू कौन कौन सा मैकेनिज्म मिला अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है तो उसको हम लोग कहते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म, अपोजिट टू शॉर्टेस्ट डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म सुनो मेरी बात ध्यान से मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक मैकेनिज्म है मान लीजिए मेरे पास ये एक मैकेनिज्म है ठीक है ना सुनिएगा ध्यान से बड़े प्यार से ठीक है ना थोड़ा सा सही तरीके से एक बार बना दूं आप सोच रहे हो कि उम्र का क्यों ऐसे बना रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा सर दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर अगर मैं आपसे पूछता हूं सुनिएगा ध्यान से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे छोटा लिंक कौन सा है तो बताओगे सबसे छोटा लिंक कौन सा है बताओ मेरे को अगर मैं आपसे पूछूं द वेरी 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 शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा सबसे छोटा लिंक कौन सा है कमेंट बॉक्स में भर दो सबसे छोटा लिंक कौन सा है फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दो सबसे छोटा लिंक कौन सा है कमेंट बॉक्स में भर दो सबसे छोटा लिंक कौन सा है कमेंट बॉक्स में भर दो यस 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 उत्कर्ष नेहा चंदन लक्ष्मण अवेर वेरी गुड 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 सबसे छोटा लिंक कौन सा है सर सबसे छोटा लिंक वन यस सबसे छोटा लिंक वन है ये सबने आंसर कर दिया बिल्कुल नाउ अब मेरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लिंक कौन सा है कोई बताएगा मुझे सर दो या तीन में से कोई एक है या तो दो है या तो तीन है सर कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा आंसर बोलू कोई चिंटू कहेगा सर दो है कोई चिंटू कहेगा सर तीन है है कि नहीं सर देर इज ए लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन टू हो सकता है या तो थ्री हो सकता है, है ना देर इज ए कंफ्यूजन क्रिएशन यहां कंफ्यूजन है सर समझ नहीं आ रहा दो बोलूं के तीन बोलूं दो बोलूं के तीन बोलूं दो बोलूं के तीन बोलूं कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा देखो किसी ने दो बोला किसी ने तीन बोला किसी ने दो बोला किसी ने लेकिन जब मैंने पूछा सबसे छोटा लिंक कौन सा है सबने टू बी कॉन्फिडेंस, सबने क्या बोला वन तो गाइस एक चीज बताओ इन चारों लिंक में से सबसे आसान देखने वाला लिंक कौन सा है सर सबसे आसान देखने वाला लिंक छोटू है छोटे लिंक को हम लोग फटाक से पकड़ लेंगे अच्छा तू छोटा है लॉन्गेस्ट लिंक में क्या होता है हम लोग देख नहीं पाते हम पकड़ नहीं पाते कि तू लंबा है कि तू लंबा है थोड़ा हो सकता है कि माइनर माइनस सेंटीमीटर से तू लंबा हो ठीक है ना तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूज रहते हैं तो छोटे लिंक को देखना सबसे आसान टास्क है ध्यान रखिएगा ठीक है छोटे लिंक को देखना सबसे आसान टास्क है बिल्कुल ध्यान से छोटे लिंक को देखना सबसे आसान टास्क है अच्छा तो गाई एक चीज बताओ अगर छोटे को देखना आसान है तो सर छोटे से ही सारा काम करा लेते हैं मैंने कहा कैसे कराओगे कहता सर कराएंगे ना हम बताते हैं कैसे कराएंगे हम कहेंगे छोटू तू फिक्स हो जा हम कहेंगे छोटू तेरे अपोजिट फिक्स हो रहा है कोई हम कहेंगे छोटू तेरे एडजस्टमेंट फिक्स करवा रहा हूं तेरे एडजस्टमेंट फिक्स करवा रहा हूं तो भाई छोटू से ही सारा काम हो जाएगा इसका मतलब है कि जो हमने यहां कांड करा है छोटू तू फिक्स हो जा छोटू के अपोजिट फिक्स हो जा छोटू के एडजास्ट फिक्स हो जा वाई वी कॉल्ड शॉर्टेस्ट हमने तीनों में शॉर्ट 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 ही लिखा है आप ध्यान से देखो शॉर्टेस्ट लिंक एडजास्ट एंड टू शॉर्टेस्ट अपोजिट टू दाई क्यों भाई क्यों ऐसा क्यों भाई सर जी सुनिएगा ध्यान से ग्रेस ना बहुत चालाक था ग्रेसॉप ने जब दिमाग लगाया ना तो सारी चीजों को आसान करके रख दिया ग्रेसॉप कहता है, कि ऐसा तो मेरा वैलिड है और मशीन बनेगा और अगर तो मैकेनिज्म बनेगा बट इसको याद कैसे करें अब इसका एक एडवांस वर्जन आया इसको याद कैसे करें तो आए कौन थ्योरी ऑफ मशीन में आए आलोक सर ठीक है ना मी यस मैं आया अब तो मैं आपको यह याद कराऊंगा हाउ टू रिमेंबर दिस चलो आओ सबसे छोटू ठीक है अच्छा आपको चीज पता है क्या सर सबसे छोटे वाले लिंक का नाम होता है क्रैंक हाँ सर यह तो पता है मैंने कहा कैसे पता है अरे सर वो आ, पिस्टन सिलेंडर में जो सबसे छोटा लिंक होता है वो क्रैंक का ही होता है अच्छा सबसे छोटा लिंक अच्छा इसके अपोजिट वाले लिंक को तो आपको पता है क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्रैंक के जस्ट अपोजिट जो होता है उसको तो रॉकर कहते हैं अच्छा रॉकी भैया क्रैंक के घर के सामने रहते हैं रॉकी भैया क्रैंक के घर के सामने रहते हैं ठीक है भाई ओके डन अपोजिट वाले एडजस्टेंट वाले को भी कुछ कहते हैं नहीं नहीं पता है कि ठीक है सुनिएगा मेरी बात तो भाई जो सबसे छोटू क्रैंक छोटू के सब अपोजिट जो है वो रॉकर छोटू के अपोजिट जिसका घर है वो रॉकर है अब सुनिएगा बेटा अगर मैं जिसको फिक्स कर दूंगा अगर उसका नाम पता है तो उसके आगे डबल लगा देना छोटू को फिक्स किया छोटू का नाम पता है हाँ सर पता है क्रैंक तो डबल क्रैंक अरे वाह छोटू के अपोजिट वाले को फिक्स किया नाम पता है हाँ सर पता है क्या नाम है रॉकर हाँ तो डबल रॉक ठीक बात समझ में नहीं समझ समझ में में अब देखो आएगा छोटू को फिक्स किया डबल क्रैंक छोटू के अपोजिट वाले को फिक्स किया डबल रॉकर नाम पता है अब जिसका नाम नहीं पता उसका क्या करें मैंने कहा देखो मैंने कहा यार अगर छोटू के एडजस्टेंट वाले को फिक्स कर दिया मतलब इसको मान लीजिए छोटू के एडजस्टेंट वाले को फिक्स किया तो क्या होगा छोटू का एडजस्टेंट वाला ये भी है और ये भी है यस और तो इन दोनों में से कोई एक ही तो आप कर सकते हो पहले एक बार में अरे भाई मैकेनिज्म के लिए एक बार में एक ही लिंक तो फिक्स करते हैं जी सर तो क्या या तो ये फिक्स करो या तो ये फिक्स करो हाँ ना बिल्कुल सर चलो मैं इसको फिक्स करता हूं चलो मैं इसको फिक्स करता हूं अगर मैंने इसको फिक्स किया तो क्या नाम कहलाएगा छोटू के एडजस्टमेंट अगर फिक्स है मेरे बच्चे से। ठीक ना बच्चे रोते रहते एग्जाम में। आपको हो रहा हो। आपको का यहां से खुशी मिलेगी बता रहा हूँ ना रट्टा मारते रहोगे जीवन भर ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा छोटू के एडजस्टेंट फिक्स है जी सर जो एडजस्टेंट फिक्स है इस लिंक में क्रैंक का भी गुण है और रॉकर का भी गुण है जी सर तो इस लिंक में क्रैंक का भी गुण है और रॉकर का भी ये वाला लिंक क्रैंक से भी टच है रॉकर से भी टच है बोलो हा है बिल्कुल तो ये लिंक में क्रैंक का भी गुण है और रॉकर का भी गुण है तो जाहिर सी बात है ये लिंक जुड़ेगा अगर ये लिंक फिक्स होगा तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनेगा बोलो या हाँ ना अगर मैं इसको फिक्स करूं तो इसके अंदर क्रैंक का भी गुण है और रॉकर का भी गुण है तो इसका मतलब ये कैसा मैकेनिज्म बनाएगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनाएगा बोलो या ना

ठीक है भाई ग्रेसॉप लो वैलिड होगा मशीन बनेगा ऐसा काम करोगे तो मशीन बनेगा ग्रेसॉप ने कहा ठीक है भाई तो ग्रेसअप ने कहा कौन सा मशीन बनेगा आओ मैं बताता हूं तो उसमें हम लोग कहां चले गए केस वन में कि ग्रेसॉप से एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू अभी केस टू पढ़ेंगे एस, एस प्लस अगर छोटू फिक्स है पूरे मैकेनिज्म में, में छोटा फिक्स है तो डबल क्रैंक

ये दो सेंटीमीटर का है ये सात सेंटीमीटर का ये छह सेंटीमीटर का ये पांच सेंटीमीटर क्वेश्चन ऐसे आएगा, कहेगा बताओ ये कौन सा बताओ ये कौन सा मैकेनिज्म बनाएगा? तो मेरे बच्चे कुछ लोग क्या होते हैं ना इतने उत्साहित हो जाते हैं को अच्छा छोटू गेट जा क्रैंक रॉकर बनाएगा लेकिन बेटे ये हमेशा मत किया करो ये गलत हो जाता है पहले ग्रेस ऑफ लॉ वैलिड कराया करो क्या ये वैलिड हो रहा है अगर ग्रेस ऑफ लॉ वैलिड हो रहा है अगर ग्रेस ऑफ लॉ वैलिड हो रहा है अगर तब एडजाटेंट फिक्स है तब क्रैंक रॉकर लंबो, दो प्लस सात लेस देन छह प्लस पांच नाइन लेस देन इलेवन तो कहता है ग्रेस ऑफ लॉ वैलिड है अब ग्रेस ऑफ वैलिड है तो छोटू के एडजैसेंट फिक्स है इसका मतलब है क्रैंक रॉकर बनेगा गेट 2014 में दो नंबर का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया जाके खोल के देखिए मैं आपको उस लिंक की लंबाई बताता हूं जो गेट 2014 में पूछा गया उस लिंक की लंबाई क्या थी वो क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ऐसे था क्वेश्चन ये था मेरे बच्चों ये 60 सेंटीमीटर है ये 160 सेंटीमीटर है ये 240 सेंटीमीटर है ठीक है ना यह लंबाई नहीं दी थी अब क्वेश्चन में था कि अगर यह फिक्स है तो बताओ कौन सा मैकेनिज्म बनेगा? कुछ लोग इतने महान कि इसका लंबाई निकाले बिना ग्रेस ऑफ लॉ लगाए बिना क्रैंक रॉकर बनेगा भाई हमेशा मत ये किया करो जरूरी नहीं है कि ग्रेस ऑफ लॉ वैलिड ही हो बात समझ में आया जरूरी नहीं है कि ग्रेस ऑफ लॉ वैलिड हो ठीक ना गेट ईयर शायद 2014 ही था 12 था 12 था या 14 था ठीक ना गेट 2012 या 2014 का ही क्वेश्चन है ठीक देख लीजिएगा जो भी हो गेट का क्वेश्चन है 12 या 14 क्वेश्चन है लेकिन बेटा ये दो मार्क्स का क्वेश्चन है टू मार्क्स क्वेश्चन ठीक है ना मजाक नहीं कह रहा हूं दो नंबर का क्वेश्चन है आप मजाक लग रहा होगा है ना सेम टू तो सेम डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को यहां से लाइन खींचना है ये वाली रेड वाली लाइन कित के बराबर है 240 के ठीक ना अगर ये 60 है ये 160 है तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है ये कितनी है 100 तो ये वाला क्या होगा पाइथागोरस लगा दो भाई 240 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर ठीक ना क्या आएगा तभी आप करके देखो दो आएगा दो सौ साठ आएगा मेरे बच्चे ध्यान से क्या आएगा टू सिक्सटी आएगा इज दैट क्लियर यस और नो ठीक इसका स्क्वायर कर दो सौ साठ आएगा अगर ये दो सौ साठ आ गया तो शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट एक सौ साठ दो सौ चालीस क्या होगा बेटा ये क्या होगा ये बताओ जरा ये 260 ही आएगा नहीं एक बार चेक करो एक बार चेक करो ये 260 होगा ना हाँ 260 ही है बिल्कुल ठीक है ना देख लो इसको ये हो गया 320 और ये हो गया 400 अब तुम बोल सकते हो अब तुम बोल सकते हो यस दिस मैकेनिज्म इज रॉकर मैकेनिज्म ठीक है ना ये मैकेनिज्म कौन सा है क्रैंक रॉकर जिस बच्चे को टेक्निक नहीं याद हुआ

स और नो आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नो यस और नो फटाफट 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 तो गाइज आई थिंक आई थिंक मेरे हिसाब से गेट दो हजार बारह का चौदह का एक बार देखता हूं मैं ठीक है ना लेकिन ये जो है दो नंबर का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त लाजवाब जिंदाबाद यस और नो फटाफट बताओ 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 वेलिड वैलिड वैलिड दिस क्रैंक रॉकर छोटू के अपोजिट आई एडजस्ट फिक्स इज दट क्लियर इज दैट क्लियर इज दर बोलो 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 क्लियर चलो सो गाइज दिस इज द केस वन अभी तो ग्रेसॉफ के तीन केस और बाकी वट यस दिस इज द केस वन ऑफ द ग्रेस ऑफ ये केस वन था जो मैंने अभी आपको इतना सुनाया ठीक है ना केस टू अब केस टू क्या कहता है अगर एस प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है अगर एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू है ठीक है ना तो उसके अंदर दो केस आते हैं मेरे बच्चे सुनिएगा उसके अंदर दो केस आते कि लेंथ ऑफ द ऑल लिंक आर डिस्टिंक्ट द लेंथ ऑफ द एनी टू लिंक आर सेम ठीक है ना तो ऐसे करके करोगे तो यहां से बहुत सारे मैकेनिज्म निकलेंगे ठीक ना जिसमें पहला है पैरलोग्राम लिंकेज और दूसरा निकलेगा डेल्टॉइड लिंकेज मैं आपको यह चीज अब सिखाता हूं सुनिएगा केस वन, केस वन, मेरे बच्चे केस वन हो गया केस टू पे चलते हैं केस टू पे चलते हैं जहां ग्रेसो फिर से वैलिड होने वाला है केस टू एस प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अगर एस प्लस एल इक्वल हुआ पी प्लस क्यू के ठीक है ना अब सुनना इसके अंदर दो केस है इसके अंदर दो केस है ना ए पॉइंट पॉइंट एक कहता है सुनिएगा मेरी बात पॉइंट एक कहता है फ अपोजिट लिंक लिंक्स आर सेम इन लेंथ अगर सारे अपोजिट लिंक आपस में क्या हो सेम लेंथ क्यों दैट मींस ये क्या बन गया कोई बताएगा मुझे सर ये और ये आपस में बराबर ये आपस में बराबर अगर ये एस है ये एस है ये एल है ये एल है अगर अपोजिट आप लिंग आपस में बराबर हो बराबर लंबाई के हो, सेम इन लेंथ इफ द अपोजिट लिंक्स आर सेम इन लेंथ दिस इज कॉल्ड पैरलोग्राम लिंकेज दिस इज कॉल्ड पैरलोग्राम लिंकेज यहां क्या होगा कोई भी एस और एल अगर हम ले लें और कोई दो एस और एल हम ले लें, ये आपस में क्या होगा आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा बोलो हाँ या ना? या आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा बोलो हाँ या ना? एस प्लस एल इज इक्वल टू एस प्लस एल येस और नो हा या ना है ना तो so, आपस में बराबर हो जाएगा तो so, ऐसे को कहते हैं पहला लो ग्राम लिंकेज अब इसमें मैं कुछ चीजें बताता हूं कि एनी वन ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक या एनी वन ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक बेटा आप कुछ भी फिक्स करो कोई भी लंबा लिंक कोई भी छोटा लिंक कुछ भी फिक्स करो एनी थिंक आपको हमेशा क्या मिलेगा जानते हो डबल क्रैंक मैकेनिज्म आपको हमेशा क्या मिलेगा जानते हो डबल क्रैंक मैकेनिज्म चाहे कोई भी लॉन्गेस्ट लिंक फिक्स करो चाहे कोई भी शॉर्टेस्ट फिक्स करो आपको यही मिलेगा क्यों मिलेगा वट इज द रीजन बेटा आप इसको फिक्स करोगे ये दोनों क्या करेगा 360 डिग्री घूमेगा आप छोटे को फिक्स करोगे ये और ये 360 डिग्री घूमेगा ठीक है ना क्यूं? क्यों क्योंकि आमने सामने के लिंक क्या है बराबर हैं अगर आमने सामने के लिंक की लंबाई बराबर होती है तो हमेशा वो 360 डिग्री रोटेट करती है अगर लिंक की लेंथ बराबर है तो वो थ्री डिग्री रोटेट करेगी गारंटी है ये ना इस चीज को ध्यान रखिएगा यस yes. तो अगर वो, वो आमने सामने के लिंक बराबर है तो 360 डिग्री रोटेट करेगी गारंटी है मेरे बच्चे ध्यान से इज दैट क्लियर एनी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिंक चाहे एनी वन ऑफ द शॉर्टेस्ट लिंक ऑलवेज मेक डबल क्रैंक ठीक है ना बात समझ में आ गया क्लियर चलो 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 इतना क्लियर हुआ जल्दी से जल्दी बताओ क्लियर हुआ हाँ या ना क्लियर हुआ यस और नो 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 आया आया समझ में आया बोलो 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 समझ में आया जल्दी बताओ जल्दी 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 चिंटू जल्दी लाइक बटन दबा यार बिल्कुल 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 आया 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन कल से मैं इन्वर्जन पढ़ाना शुरू करूंगा और तुम्हें पता है ना कि जब अपन इन्वर्जन पढ़ेंगे तो कितना खतरनाक एनिमेशन आने वाला है मतलब हर एक इन्वर्जन हर एक एनिमेशन आपके सामने रख दूंगा आपको फील हो जाएगा अंदर से यार मजा आ गया मतलब दिल खुश हो गया ठीक है ना आपको अंदर से फील होगा यार दिल खुश हो गया सीरियसली ठीक है ना तो गई हर एक चीज हर एक इन्वर्जन आपको लाकर रखने वाला हूं ध्यान से ठीक है ना चलिए एक तो आपको समझ में आ गया अगर अपोजिट लिंक सेम इन लेंथ में है तो पैलोलोग्राम लिंकेज बनता है चलो अब इसमें एक और कंडीशन है किस में सर जब एस प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वैलिड होता है ना तो एक और कंडीशन आता है दैट इज बी ये कहता है ये कहता है सुनेगा ध्यान से ये था अपोजिट लिंक आर सेम इन लेंथ ये कहता है इफ एडजेंट लिंक आर सेम इन लेंथ इफ एडजेंट लिंक आर सेम इन लेंथ मेरे बच्चे सुनिएगा ध्यान से एडजस्टमेंट लिंक सेम इन लेंथ का हो मेरे बच्चे सुनिएगा ध्यान से ऐसा कुछ आप लोगों ने पतंग देखा कभी जी सर बिल्कुल देखा है हम इंजीनियर से हम पतंग उड़ाए भी हैं छोटू छोटू लंबू लंबू दो छोटे दो लंबे ठीक है ना दोनों एडजस्टेंट दोनों लॉन्गेस्ट यू कैन सी दिस दोनों छोटे दोनों लंबे इफ द लिंक्स आर सेम इन लेंथ अगर एडजस्टेंट लिंक आपस में क्या है बराबर लंबाई के मेरे बच्चे ध्यान से इफ द एडजस्टेंट लिंक्स आर सेम इन लेंथ नाउ मेरे बच्चे सुनिएगा सो दिस इज कॉल्ड एज डेल्टॉइड लिंकेज क्यों क्योंकि ये डेल्टॉइड की तरह बिहेव करता है सुनिए ध्यान ना मेरे बच्चे इसको कहते हैं डेल्टॉइड लिंकेज अब मैं आपसे कहता हूं एनी वन ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक और एनी वन ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक अगर यहां एनी वन ऑफ द शॉर्टेस्ट लिंक अगर फिक्स है तो यहां से बनेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म आप देख रहे हो गे ग्रेसॉफ के इक्वेशन में सबसे ज्यादा बनने वाला डबल क्रैंक मैकेनिज्म है एनी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिंक बेटा आप देखो यहां थोड़ा सा चेंज है कैसे याद रखें रखेंट लिंक सेम है ना 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 बोलो बोलो या या लिंक्स आर सेम यस सर तो बेटा जब की बात आई थी आपको याद होगा कि जब एडजा की बात आई थी तो जब एडजा की बात आई थी याद है एडजा सेंट की हमारा तो मैकेनिज्म का नाम क्या था बेटा जब एडजा की बात आई थी हमारे मैकेनिज्म का नाम क्या था बेटा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बोलो यस इंजीनियर कुछ भी कर सकता है अगर एडजस्ट एंड की बात आई तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बोलो हाँ या ये ना। यस और ठीक है ना क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म हो सकता है यस और नो। अगर एडजस्ट की बात आई है तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म हो सकता है यस और नो ठीक है ना सुनो मेरी बात ध्यान से अगर एडजस्ट एंड की बात आई है तो हमारा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म हो सकता है तो भाई यहां जो है यहां यही लिखे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म अगर एडजाटेंट की बात आई है तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मेरे बच्चे ध्यान रखना एनी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिंक क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बिल्कुल ध्यान से एनी वन ऑफ द शॉर्टेस्ट लिंक डबल क्रैंक मैकेनिज्म Any one of the longest link crank rocker Are Are you getting my point? Yes or no. Are you getting getting my my point? point? Yes Yes or or no? no? एनी वन ऑफ द na, na. Any one of the shortest link, any one of the longest link आपको बता दिया मैंने क्रैंक रॉकर डबल क्रैंक बहुत आसान बहुत आसानी से याद हो जाएगा अब देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया मैं आपको क्वेश्चन के साथ ले चलता हूं क्या परेशान देखो क्वेश्चन आया कहता है सुनिएगा कहता भाई मैं इसको फिक्स करूंगा मैं कर लो भाई ये पांच सेंटीमीटर है ये पांच सेंटीमीटर है ये सात सेंटीमीटर ये सात सेंटीमीटर मेरे भाई अगर इस केस में तुम इसको फिक्स कर लो चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको तुम किसी को भी फिक्स कर लो ये क्या बनने वाला है दिस इज दैरलोग्राम लिंकेज यस और नो दिस दैरलोग्राम लिंकेज आमने सामने की सारी बुझाएं बराबर हैं सारा लिंक सेम है तो ये बता दो क्या होगा क्या हुआ सर एक कन्फ्यूजन फर्स्ट केस में आप जो लॉन्गेस्ट लिंक पूछे थे अगर लिंक लेंथ ना दिया हो तो कैसे लॉन्गेस्ट लिंक कंसीडर करेंगे कहाँ लॉन्गेस्ट लिंक मैंने कंसीडर किया था क्या लॉन्गेस्ट लिंक मैंने लॉन्गेस्ट लिंक कंसीडर किया था बस ये बता दो अच्छा इस केस की बात कर रहे हो इस केस में तो लॉन्गेस्ट लिंक दिख रहा है और अगर इस केस की बात कर रहे हो इस केस की तो आपको नाम तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपको लिंक लेंथ नहीं दिया होगा लिंक लेंथ जब तक नहीं दिया होगा तब तक आप नाम नहीं बता पाओगे ध्यान रखना मैंने क्या बोला ग्रेसॉप ने स्टार्टिंग लाइन आप लोग को क्या समझाया आज कहता है कि यार चचा, आपने तो लिंक की लंबाई बताई ही नहीं कोई भी ससुराल लिंक की लंबाई पे ध्यान ही नहीं दे रहा तो फिर ने ये बेड़ा उठाया और बताया कि लिंक की लंबाई क्या होनी चाहिए कैसा होना चाहिए अगर ऐसा है और ये सम आ रहा है तो ऐसा बनेगा बात समझ में आया तो आपको हमेशा लिंक की लंबाई अच्छा अगर आप इस इसकी बात करो आई डोंट नो आप किसकी बात करो अगर आप इसकी बात कर रहे हो यहां लिंक की लंबाई से मैटर ही नहीं करता है सबसे छोटा देखना सबसे आसान है सबसे छोटा देखना सबसे आसान है और वहीं से मैंने खींच लिया है सारा ठीक है ना? क्लियर ठीक है ना ठीक है ना अरे का हुआ खत्म कहां से हो जाएगा अभी ठीक है ना तो इज दैट क्लियर जल्दी से जल्दी बताओ ठीक है ना तो ये क्या है हमारा ये हमारा पैरलोग्राम लिंकेज का क्वेश्चन आया तो भाई ये है पैरलोग्राम लिंगे ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये हमारा क्या एनी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनी वन ऑफ द सॉर्टेज ये हो गया डबल क्रैंक ठीक है ना अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया अरे यार क्या कर दिया अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया पांच पांच सात सात ऐसा आया और मान लीजिए ये फिक्स है क्या फिक्स है छोटू फिक्स है मेरे भाई एक बात को कान खोलो और उसके अंदर डालो क्या कि अगर वैलिड है वैलिड मतलब S plus L is less than equal. है। और छोटू तो का स्थान फिक्स है अगर छोटू फिक्स है तो डबल क्रैंक ही बनेगा दैट्स इट छोटू फिक्स है डबल क्रैंक ही बनेगा चाहे दुनिया का कोई मैकेनिज्म हो अगर ग्रेस ऑफ लॉ वैलिड है मशीन बनने वाला है छोटू फिक्स है डबल क्रैंक बनेगा चाहे जो हो जाए कीजिएगा मेरे बच्चे ध्यान से। मैं बोल रहा हूं, डबल आप लोग लो बहुत पढ़ते हैं विटवर्थ मैकेनिज्म सुना है हाँ सर बेटा मैं आपको वहां भी याद दिलाऊंगा विटवर्थ में क्रैंक को फिक्स कर देंगे वा एक क्रैंक को फिक्स कर देंगे

आई थिंक केस टू आपका क्लियर है ठीक है ना निसमें no. सारे लोग दो तीन आंसर कर रहे थे अरे बेटा देखो 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 एक चीज बता रहा हूं ये 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 हम कह रहे हैं सबसे छोटा लिंक कौन सा है ये बिना लंबाई दिए भी हमें पता चल सकता है इसीलिए हमने बिना लंबाई दिए ही निकाल लिया यहां लिंक की लंबाई क्या है हमें कोई मतलब नहीं अभी हाँ लेकिन क्वेश्चन जब होगा तो क्वेश्चन में लिंक की लंबाई देखकर ग्रेस ऑफ लॉ वैलिड कराएंगे हमने यहां क्या बोला ग्रेस ऑफ लॉ वैलिड है तब तो वैलिड है तब की बात कर रहे हैं ठीक है, है ना बात समझ में आए चलिए अरे भाई कहां चलो हाँ ये हमने पढ़ा अभी केस नंबर टू अब हम बेटा देखेंगे ग्रेसॉप ने केस थ्री भी कहा क्या कहा केस थ्री ग्रेस कहता है यार मैं अपने अंदर कोई कमी छोड़ दूं तो आगे आके कोई और आ जाएगा और चिंटू आ जाएगा और कहेगा चिंटू इज द गॉड ऑफ थी ऑफ मशीन तो ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि चिंटू को मौका मिले तो ग्रेसॉप ने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं अगर छोड़ा, छोड़ा होता तो मैं गारंटी मैं चला जाता मौका लेने ठीक है अगर छोड़ा होता तो ग्रेस कहता है यार ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है ग्रेटर हो सकता है क्योंकि देखो तीन ही कंडीशन होती है तो ग्रेस तो कहता है कि ये दोनों वैलिड है तो ये वाला नॉट वैलिड है अगर ऐसा होता है सुनिएगा मेरी बात अगर ऐसा होता है तो ग्रेस नॉट वैलिड अगर ग्रेस नॉट वैलिड है फेक्स लिंक और मैकेनिज्म व्हाट ग्रेस ऑफ वैलिड नहीं होगा फिर भी मैकेनिज्म बनेगा अरे बनेगा तुम सुनो सुनते तो रहो अगर फेक्स लिंक सुनना मेरी बात अगर ऐसा हुआ अगर ग्रेस ऑफ वैलिड नहीं हुआ तो शॉर्टेस्ट तो, शॉर्टेस्ट लिंक एडजस्ट एन टू शॉर्टेस्ट अपोजिट टू शॉर्टेस्ट अगर ऐसा सुनेगा मेरे बच्चों अगर ऐसा हुआ ग्रेसो वैलिड नहीं है तो ये तीनों से एक ही जवाब आएगा तीनों से एक ही जवाब आएगा डबल रॉकर मैकेनिज क्या बनेगा अगर ग्रेसो वैलिड नहीं है तो क्या बनेगा डबल रॉकर मैकेनिज्म आर यू गेटिंग माय पॉइंट ठीक है ना आपको मैं एक बार और स्टार्टिंग से दिखा देता हूं ग्रेसो की सारी कहानी ग्रेसॉप की सारी कहानी मेरी जुबानी सुनिएगा ग्रेसॉप चचा क्या कहते हैं कहते हैं भैया आपने सब कुछ बताया आपने ये नहीं बताया कितना बड़ा लिंक होगा कौन सा लिंक फिक्स करें कौन सा मैकेनिज्म बनेगा क्या हो सकता है कैसे हो सकता है क्या पॉसिबल है कुछ नहीं बताया नो no. अब मैं आपका जगह लेने जा रहा हूं एंड अब मैं कहलाऊंगा द गॉड ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन ठीक ना तो एक्स प्लस होगा एक बड़ा होगा और बाकी के दो लिंक होंगे तो सेज कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने तीन मैकेनिज्म बनेगा डबल क्रैंक डबल रॉकर क्रैंक रॉकर क्रैंक का काम होता है तीन सौ साठ डिग्री रोटेट करना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना ठीक है ना रॉकर का, का काम होता है या लीवर का काम होता है ऑसिलेट करना मेरे बच्चे सुनिएगा तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म को हम लोग ड्रैग लिंक मैकेनिज्म भी कहते हैं ध्यान रखिएगा अच्छा डबल क्रैंक होता क्या है वो दो लिंक डबल क्रैंक मतलब दो लिंक जो होंगे वो 360 डिग्री रोटेट कर रहे होंगे जो कि फिक्स लिंक से कनेक्टेड होंगे ठीक है ना जो फिक्स लिंक से कनेक्टेड दो लिंक होंगे लाल और पीला वो तीन डिग्री रोटेट करेंगे फिर आया डबल रॉकर हमने कहा कि यार जो फिक्स लिंक के साथ दो लिंक है वो ऑसिलेट करेंगे रॉकर का मतलब ऑसिलेशन फिर आया क्रैंक रॉकर मैंने कहा यार फिक्स लिंक के साथ जो दो लिंक हैं वो आपस में क्या करेंगे एक लिंक तो 360 डिग्री घूमेगा क्रैंक और दूसरा क्या करेगा रॉकर है तो ऑसिलेट करेगा मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है बिल्कुल मेरे बच्चों ठीक है और मेरे बच्चों जल्दी से जल्दी कमेंट करके ये बता दो आप लोग को एनिमेशन से समझ में आता है हाँ ना एनिमेशन से समझ में आता है बोलो हाँ ना जल्दी से -जल्दी, जल्दी बता दो क्या मैं एनिमेशन का यूज कर सकता हूँ आगे की क्लासेस में ठीक नहीं है आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ देन उसके बाद अगर बात करूं तो एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू तो यहाँ दो केसेस आए बच्चे लोग एक आया पैरलोग्राम लिंकेज जो कि आपको यह दिख रहा है एक आया डेल्टॉइड लिंकेज जो कि आपको ये दिख रहा है मेरे बच्चे ध्यान से डेल्टॉइड लिंकेज ठीक ना चलिए अब मैं इसके बाद बात करता हूं बेटा ये चीज तो यहां तक तो ग्रेस ऑफ वैलिड है अब इसके बाद हुआ क्या कि ग्रेस ऑफ कभी कभी वैलिड नहीं भी होता है तो एस प्लस एल ग्रेटर क्यू या दिस इज द केस थ्री जब ग्रेस ऑफ वैलिड नहीं होता है मेरे बच्चे ठीक है ना ग्रेस ऑफ नॉट वैलिड है यहाँ ठीक 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 हाँ, अगर जैसा वैलिड नहीं है मेरे बच्चे प्लस ग्रेटर देन है तो मेरे बच्चे क्या बनेगा दिस इज द डबल रॉकर मैकेनिज्म ये क्या बनेगा डबल रॉकर मैकेनिज्म बच्चे दो लिंक क्या करेगा ऑसिलेट करेगा बच्चे ध्यान से यहां दो लिंक क्या करेगा ऑसिलेट करेगा बिल्कुल ध्यान से देखते रहना ठीक है ना इज दैट क्लियर ठीक है ना यही चीज को मैंने यहां अलग से निकाल के बता दिया दिखा दिया शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है डबल क्रैंक अच्छा आपको ये चीज तो फिक्स है ना कि शॉर्टेस्ट को ही क्यों फिक्स कर रहे हैं क्योंकि शॉर्टेस्ट देखना सबसे आसान है तो जिसका नाम अगर हमें पता है अगर मुझे इसका नाम पता है तो उसी के नाम के आगे डबल लगा देंगे तो छोटू फिक्स डबल डबल क्रैंक छोटू का अपोजिट फिक्स डबल रॉकर एडजस्ट फिक्स क्रैंक रॉकर बात समझ में आ गई ठीक है ना तो यू कैन सी दिस देन इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं तो गेट में एक दो नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये आप देख लीजिएगा ठीक ना सेम टू तो सेम डाटा के साथ अगर एस प्लस इक्वल टू बी प्लस क्यू पैरलोग्राम लिंकेज इसमें कुछ भी फिक्स कर दो क्योंकि सब सारा लिंक सेम है आ, आमने सामने वाला सब सेम है तो डबल क्रैंक अच्छा ऐसा ही एक आ गया क्या हमारे सामने एडजा वाला एडजा वाले में एडजाइट पर ही दिक्कत होगी लॉन्गेस्ट लिंक क्या है छोटू के है छोटू के एडजास्टेंट है लॉन्गेस्ट लिंक लॉन्गेस्ट लिंक क्या है सर लॉन्गेस्ट छोटू के एडजस्टेंट क्या है एडजास्टेंट ठीक है ना छोटू के एडजाटेंट है तो एडजाइट वाले का क्रैंक रॉकर ही बनता है हमें पता ही ठीक है ना एडजाट वाले का क्रैंक रॉकर बनता है ना तो शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होगा तो डबल कराएंगे तो वरदान मिला हुआ है इसको देन ग्रेस ऑफ अगर वैलिड नहीं है तो तुम कुछ भी फिक्स कर दो तो डबल रॉकर बनेगा आर यू गेटिंग पॉइंट जल्दी बताओ बहुत मजा आता है एब्सोल्यूट सर अरे वाह बेस्ट एक्सप्लेन बाय एनिमेशन थैंक यू यस क्रिस्टल क्लियर अरे वाह थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहो अब एक चीज और बताता हूं देखो थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट हुआ पहले हमने क्या देखा कि वट इज थ्योरी ऑफ मशीन थ्योरी ऑफ मशीन में लिंक क्या है फिर एक लिंक को दूसरे लिंक से जोड़ा पेयर चारों लिंक को जोड़ा चेन चारों लिंक को जोड़ने के बाद एक लिंक को फिक्स कर दिया मैकेनिज्म इसका मतलब चेन आज हमने पढ़ा है तो कल अपन क्या पढ़ने वाले हैं कल एक लिंक को अपन फिक्स करने वाले हैं इसका मतलब कल क्या पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरी बात समझ में आ रही है आर यू गेटिंग माई पॉइंट कल हम लोग क्या करने वाले हैं मैकेनिज्म का चेन, चेन मैकेनिज्म पढ़ने वाले मैकेनिज्म का कल हम इन्वर्जन करके देखेंगे इन्वर्जन करके देखेंगे मेरे बच्चे ध्यान से कल हम मैकेनिज्म का इन्वर्जन करके देखने वाले अच्छा इन्वर्जन करके अगर हम बात करें बेटा इन्वर्जन की अगर हम बात करना चाहो तो इन्वर्जन बच्चों को याद नहीं होता तो मेरे पास टेक्निक है कि इन्वर्जन को याद कैसे कराना अच्छा इसी बीच एक कुर्जबैक आए ग्रबलर आए काइनामेटिक चेन में वो तीन रिलेशन आ गए तीन रिलेशन ठीक है ना और उसके बाद ग्रेसॉफ आ गए तो सबसे लास्ट साइंटिस्ट जिसने ये डिफाइन किया कि क्या होता है मशीन क्या होता है मैकेनिज्म वो थे ग्रेसॉफ इसीलिए हम लोग ग्रेसॉफ को कहते हैं गॉड ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नो गॉड ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन जिसने थ्योरी ऑफ मशीन को जन्म दिया जिसने थ्योरी ऑफ मशीन के लिए काम किया जो थ्योरी ऑफ मशीन के लिए एक भगवान का रूप लेकर बैठा है तो माय डियर फ्रेंड दिस इज द ऑफ स्टोरी ठीक है ऑफ की स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस बस एक ही चीज कहूंगा इस वीडियो को इतना शेयर करो इतना शेयर करो इतना शेयर करो कि ऑफ की कहानी हर एक बच्चे के कान तक पहुंच जाए बिल्कुल ठीक है ना और मेरे बच्चे एक चीज और ध्यान रखना कल से स्टार्ट हो हुआ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मैकेनिज्म एंड इट्स इनवर्जन विद एनिमेशन विथ एनिमेटेड क्लास लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद ठीक है ये तीनों तरीके से हम लोग पढ़ाने वाले हैं ठीक है ना विथ एनिमेशन के रूप में ठीक है मेरे बच्चे ध्यान से नाउ मेरे बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां जो है इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर बैचेस अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दो हजार बाईस के लिए और गाइज अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं दो हजार तेईस के लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं नाउ गाइज इफ यू टू ज्वाइन अगर प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलता है वीकली टेस्ट आपको मिलता है डाउट सॉल्विंग सेशन डाउट सॉल्विंग का मतलब क्या है बेटा आपको हर चौथी क्लास जो मिलती है वो डाउट सॉल्विंग मिलती है वीकली टेस्ट क्या होता है हर सातवें दिन पे हर सैटरडे को आपका वीकली टेस्ट होता है ठीक ना और हर चौथी क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन होती है लाइव क्लासेस मिलती हैं क्रैश कोर्स मिलता है डीएफ ये आपको प्लस पे मिलता है बेनिफिट ज योर बेनि क्या मिलेगा स्टडी मटेरियल मिलेगा और प्रैक्टिस सेट मिलेगा ठीक है ना तो ये सारी चीजें मिलेंगी इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर आई एस मैचेस अगर आप आई एस के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप आईकॉनिक लेना अगर गेट के लिए कर रहे हो तो प्लस लेना ध्यान से आप मेरा कोड यूज कर सकते हो और कोड यूज करने के बाद एक बार मेरे को बता देना आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा द कोड इजिंग द कोड इज आलोक लाइफ आलोक लाइव आलोक लाइव जो है ना बेटा यस आलोक लाइव जो है आलोक लाइव इज माई टेलीग्राम चैनल ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप टेलीग्राम पर जाकर आलोक लाइव सर्च करोगे इंटर मारोगे मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है खुद का आप जुड़ सकते हो दिस इज अ ग्रुप चैनल देते ग्रुप जहां डाउट क्लियर होता है आपका ठीक है ना ना आपको क्या करना है गोल पिक करना है गेट एंड डीएससी देन गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाने का है देन 24 12 यह दो चीजें हैं डीयर बारह महीने और चौबीस महीने ध्यान रखेगा बारह महीने और चौबीस महीने तो गाइश अगर आप सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में तो 24 महीने का लीजिए अगर आप पास आउट हो चुके हैं या फोर्थ ईयर में है ठीक है ना तो मेरे बच्चे आप ट्वेल्व मंथ का प्लान लीजिए और कर लीजिए ज्वाइन कुछ नहीं करना है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फीस है, टू टू का। अगर तो तो का है आप फटाफट ज्वाइन कर सकते ठीक है ना ना आइकॉनिक की बात करना चाहूं तो मैं आपको बता देता हूं आई का अगर आप बैचेस ज्वाइन कर रहे हो डियर तो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना क्योंकि तो कंक्लूजन लेना बहुत जरूरी है कंक्लूजन पर्सनल कोच होना बहुत जरूरी है आपके लिए मैं फिर से बता दूं आलोक लाइव इज माई टेलीग्राम चैनल जहां अपने डाउट पूछ सकते हो जहां आपको पीडीएफ नोट्स मिल सकते हैं जहां आपको सारे पीडीएफ नोट मिलते हैं डियर आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ मिलते हैं बेटा पढ़ने के लिए आपको और आलोक लाइव ही मेरा कोड भी है जिससे आप यूज कर सकते हो दस के डिस्काउंट के लिए ठीक है ना सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन ठीक है ना हाँ मशीन डिजाइन कल रात में स्टार्ट हो जाएगी कल रात ग्यारह बजे से मशीन डिजाइन भी स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो कल रात ग्यारह बजे सभी लोग मिलेंगे सो थैंक यू सो मच गाइस एंड टिल देन एंजॉय ठीक है ना मिलते हैं अगले सेशन में अपने ठीक है ना सो बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट इसी तरह से आओ वो बने रहो सुबह साढ़े नौ बजे क्लास होती है अपने दोस्तों को भी बताओ और वीडियो को जितना हो सके अपने कॉलेज के ग्रुप्स में अपने दोस्तों से, से शेयर जरूर करो ठीक है ना कि भाई कुछ नहीं कर रहा है तो ये वीडियो देख ले ठीक है ना सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन सो टिल देन एंजॉय बाय तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत